बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 17। मसलहुम कमसलिल्लज़ी लज़िस्तौक़दा नारन फलम्मा अदाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून मसलहुम। अब अल्लाह सुबहान व तआला इन मुनाफिकों की मिसाल बयान कर रहे हैं कि किस किस्म के मुनाफिक है। मसलहुम, मसल इसके रूट लेटर है नीम सा लाम। मसल का मतलब होता है मिसाल, जो कि हम उर्दू में भी वर्ड यूज करते हैं, यानी पैराबल, मिसाल। ठीक है, मसल मसलहुम उनकी मिसाल। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं हम दे ऑल, उन सब की मिसाल। का मसली, कल हमने का के लिए एक और वर्ड पढ़ा था, क्या पढ़ा था? का मतलब है लाइक, जैसे कमा, कल कमा पढ़ा था ना, तो वही ये का है। कभी कमा के फॉर्म में आ जाता है, कभी का के फॉर्म में आता है, दोनों का तर्जुमा होता है लाइक। जैसे मसलहुम उनकी मिसाल का, जैसे के मसली। अच्छा, ये जो का है ना, ये हरफे जर है। दिस दिस का इज हरफे जर, तो यू कैन राइट इन योर हरफे जर लिस्ट, का हरफे जर है और उसका मीनिंग होता है लाइक, जैसे के। लाइक जैसे के, ठीक है। मसलहुम उनकी मिसाल का, जैसे के मसली मिसाल। अल्लजीना हमने कल पढ़ लिया था, आज उसका सिंगुलर आ रहा है अल्लजी, वो जो, वो सब जो, अल्लजीना वो जो, अल्लजी वो जो। इस्तौकदा, इस्तौकदा के रूट लेटर हैं वाव काफ दाल। वकदा, वाव काफ दाल। वकदा का मतलब होता है टू किंडल, जलाना, जलाना। ठीक है, उनकी मिसाल, जैसे के मिसाल उसकी जो इस्तौकदा, जो जलाए या भड़काए या सुलगाए। नारन, नारन इसके रूट लेटर है नून वाव रा, नून वाव रा, और वाव की जगह अलिफ ने ले ली। ठीक है, वाव की जगह अलिफ ने ले ली, क्योंकि वाव क्या है, वीक लेटर है, तो उसकी जगह अलिफ ने ले ली। इस्तौकदा जो जलाए, वो शख्स जो जलाए या सुलगाए नारन आग। जहन्नम को भी नार कहा जाता है ना, लेकिन उसको अन्नार कहा जाता है, खास आग है, तो नारन आग। मिसाल उनकी, जैसे कि मिसाल उसकी जो जलाए आग। ठीक है, इसके रूट लेटर है नून वाव रा। अच्छा, नूर के भी यही रूट लेटर है, नार के भी यही रूट लेटर है, नून वाव रा। क्यों नूर और नार के सेम रूट लेटर है? क्योंकि दोनों में क्या होती है, रोशनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों के सेम रूट लेटर है, तो नूर का मतलब ही होता है रोशनी। मिसाल उनकी, जैसे के मिसाल उसकी जो जलाए आग। फलम मा अदाअत, फिर लम्मा के लिए आप तर्जुमा लिख लें, जब जब भी आएगा ये लम्मा वर्ड, जिस तरह से इजा का तर्जुमा जब था, लम्मा के साथ ही लिख लें, इजा कौमा लम्मा इज इक्वल टू जब, दोनों का तर्जुमा जब होगा। फलम मा, फिर जब, देन वेन। ठीक है, फ देन लम्मा वेन, फिर जब। अदाअत, अदाअत, अदाअत जिया से बना, जिया पता है आप लोगों को किसको कहा जाता है, नूर को, रोशनी को। ठीक है, अदाअत, अब ये किसकी बात हो रही है, ता के ऊपर सुकून है, अभी हमने देखा था रबीहत फीमेल की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी अदाअत जो है फीमेल की बात है, तो कौन सी फीमेल है यहाँ पर, यहाँ पर फीमेल नार। आग जो है ना, वो जहन्नम जितनी भी है ना, सारी के सारी फीमेल है। जहन्नम की आग कहें, जहन्नम के जितने भी नाम है सब फीमेल है, तो आग के सारे नाम फीमेल होते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कलम मा, फिर लम्मा, हमारे जो सर थे ना, वो कहा करते थे जितनी भी खराब चीजें हैं सब फीमेल हुआ करती है, हमने कहा जन्नत भी फीमेल है सर तो बोले हाँ, ये तो बात हमने सोची नहीं तो इस तो कदा ना आरन, वो जिसने जलाई आग। पलम्मा, फ फिर लम्मा, जब अदाअत रोशन हो गया। रोशन, जिया क्या होती है, जिया लाइट को कहा जाता है, रोशनी को कहा जाता है, तो जिया जो है इसके रूट लेटर है द्वाद वाओ हमजा, द्वाद वाओ अलिफ, द्वाद, देखें द्वाद वाओ, ये जो बीच वाला अलिफ है वो वाओ, वाओ था असल में, और ये आ गया हमजा, द्वाद वाओ हमजा, ये इसके रूट लेटर है। द्वाद वाओ हमजा का मतलब होता है रोशनी। फिर जब रोशन हो गया,
मा हौला हू, मा जो, मा जो हौला, हौला हौला कहा जाता है सराउंडिंग को, हम कहते हैं ना माहौल। माहौल क्या होती है, हमारी एनवायरनमेंट होता है, हमारी सराउंडिंग होती है, तो एनवायरनमेंट को यानी माहौल को कहा जाता है हौला। मा जो हौला, माहौल है हु उसका, यानी सराउंडिंग है उसकी। फिर जब रोशन हो गई जो उसके अतराफ में है, जो उसके सराउंडिंग में है, जहबल्लाहु, जहबा ये इसी के रूट लेटर यही है, जाल हा बा, जाल हा बा। जहबा का मतलब होता है जाना, जहबा का मतलब होता है जाना। अब जहाबा का मतलब आपने लिखा जाना, लेकिन जब भी जहाबा के साथ आगे कहीं बी आ जाएगा, ये हरफे जर बी आ जाएगा, उसका तर्जुमा होगा ले जाना। जहाबा बी का तर्जुमा होगा ले जाना। तो दोनों में फर्क है ना, एक जा रहा है और एक को लेकर जाया जा रहा है, तो दो डिफरेंट तर्जुमे आ जाते हैं। जहाबा का मतलब जाना, जहाबा बी का मतलब होगा ले जाना। फिर जब रोशन हो गया उसका माहौल, जो उसका माहौल है, जो उसके अतराफ में है, ज़हबल्लाहु ले गया, है ना, ले गया कौन, अल्लाह, बिनूरिहिम, बी को, अब यहाँ पर बी, अच्छा ज़हबा भी सिर्फ पहचान के लिए, बी का हम अलग से तर्जुमा करेंगे, ये तर्जुमा अपनी जगह देगा, लेकिन ये सिर्फ पहचान के लिए कि ज़हबा बी जब आएगा तो ज़हबा का तर्जुमा ले जाना। बी का तर्जुमा हम अपनी जगह पर अलग तरीके से करेंगे, जहाबा ले गया, जहाबा भी ले गया अल्लाहु अल्लाह, बिनूरी हिम, और हुम, बोथ आर सेम, हुम यानी वो सब, उन सब, नूर, नूर यानी नूर रोशनी, उनके नूरों बी को, उनके नूर को, उनकी रोशनी को, कौन से नूर, कौन सी रोशनी, आंखों के नूर, आंखों की रोशनी की बात हो रही है। फिर जब रोशन हो गया जो उसके माहौल में था, ले गया अल्लाह, जहाबा भी ले गया अल्लाह, बिनूरहिम उनके नूर को, उनकी रोशनी को, यानी अल्लाह ने उचक ली उनकी रोशनी को, फतरकहुम, व यानी और, तरका, तरका ये रूट लेटर है इसके, त र का, किसी भी चीज को तर्क कर देना, छोड़ देना, ठीक है, तो तरका का उर्दू में भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, तर्क करना यानी छोड़ देना, ठीक है, तो ये लिख लें आप बार बार, तरका जहां पर भी आएगा हम उसका तर्जुमा छोड़ना ही करेंगे। वह और तरका छोड़ दिया किसको, हम उन सबको, ले गया अल्लाह उनके नूर को यानी उनकी रोशनी को, और छोड़ दिया उनको किसमें, फी जुलुमातिन, फी जुलुमातिन, फी क्या है, हरफे जर में, है ना, पी का तर्जुमा हो जाएगा में, या हरफे जर है, जुलुमातिन, जुलुमातिन जो है ये रूट लेटर से बना है, ज़ोए लाम मीम, ज़ोए लाम मीम, ज़ोलमा का मतलब होता है अंधेरा, ज़ोए लाम मीम, ज़ोलमा अंधेरा, और ये जुल्मत का प्लूरल है जुलुमात, जुल्मत यानी एक अंधेरा, जुलुमात यानी अंधेरे, बहुत से अंधेरे, ये रूट लेटर जो है ज़ोए लाम मीम ज़ोलमा, इसका रूट मीनिंग होता है अंधेरा, ठीक है, रूट मीनिंग है अंधेरा, जुलुमातिन जुल्मत में। अब ये जो आपको आखिर में आतिन दिखाई दे रहा है ना, आतिन, हमने अब तक कितने प्लूरल के लिए पढ़ लिए वर्ड, ऊना ईना वाव अलिफ, ये तीन वर्ड पढ़ लिया हमने, अब यहाँ पर एक और वर्ड ऐड करें आतिन, या फिर इसके ऊपर दो पेश लगा दे तो आतुन, ये खड़ी जबर के साथ या अलिफ के साथ, अलिफ और ता के नीचे दो जेर या उसके ऊपर दो पेश आ जाएंगे, ठीक है, जुलुमातुन में आतुन और आतिन, AATUN इस तरह से भी लिख सकते हैं, AATIN, आतुन या आतिन आपको कहीं पर दिखाई दे लास्ट में, इसका क्या मतलब है कि ये प्लूरल फीमेल है, प्लूरल फीमेल है, ऊना इना प्लूरल मेल है, आतुन आतिन प्लूरल फीमेल है, तो जुल्मत यानी एक अंधेरा, तो आतिन लग गया, इसका क्या मतलब है, बहुत सारे अंधेरे, क्योंकि प्लूरल बन गया, ठीक है, तो जुल्मत भी फीमेल वर्ड है, तो जुलुमातिन क्या हो गया, अंधेरों में, ले गया अल्लाह उनके नूर को, उनकी रोशनी को, और छोड़ दिया उनको किसमें, अंधेरे
अंधेरों में, ला युबसिरून, ला हर्फ नफी है, नेगेटिव पार्टिकल है, ला यानी नहीं, युबसिरून ये यतान का या है, या यानी वो, ऊना मतलब वो सब, बसरा बसरा अबसार हम पढ़ के आए हैं कल, उनकी आंखों, है ना, तो बसरा का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू साइट, यानी समथिंग रिलेटेड टू देखना, तो बसरा का मतलब देखना, नहीं वो सब देख सकते, ठीक है, जब अंधेरों में आ गए तो वो नहीं देख सकते, नहीं वो सब देख सकते, मिसाल उनकी जैसे के मिसाल उसकी जो रोशन करे आग को, फिर जब रोशन हो जाए जो उसका माहौल है, ले गया अल्लाह उनके नूर को, उनकी रोशनी को, और छोड़ दिया उनको अंधेरों में। उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं, हर्फे जर आ रहा है इसलिए पहले जुल्मत का तर्जुमा करेंगे फिर पी का तर्जुमा करेंगे, अंधेरों में ला युबसिरून, नहीं वो सब देख सकते। अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान व तआला एक मिसाल बयान कर रहे हैं किनकी, मुनाफिकों की, मुनाफिकों की मिसाल ऐसे ही है कि जैसे एक शख्स ने रोशनी की और जैसे ही उसका माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह ने उनकी आंखें ही छीन ली और उनको अंधेरों में छोड़ दिया। अब देखिए इससे क्या तर्जुमा लिया है मुफस्सरीन ने, स्कॉलर्स कहते हैं कि से फॉर एग्जाम्पल नबी नार, यहाँ पे रोशनी की गई, रोशनी की गई का क्या मतलब है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही का नूर फैला दिया सब जगह पर, आप ये एक शख्स की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर उनको मतलब उनसे वो किया गया, मिसाल ली गई है कि एक शख्स ने क्या की, रोशनी की, आग जलाई, रोशनी की यानी रोशनी की, कि हिदायत की रोशनियां फैला दी। अब जब हिदायत की रोशनी सारे माहौल में फैल रही थी, ये जो मुनाफिक लोग थे अल्लाह ने इनकी आंखों को ही सल्ब कर लिया, इनकी आंखों के नूर को ही छीन लिया। तो जब इंसान देखे, इंसान को देखने के लिए दो रोशनियों की जरूरत पड़ती है, देखिए उसकी अंदरूनी रोशनी है क्या, बैरूनी रोशनी, तो एक इंटरनल है एक एक्सटर्नल है, इंटरनल कौन सी है आंखों की, और एक्सटर्नल कौन सी है जो माहौल की है, अगर दोनों में से एक भी ना हो तो क्या हो जाएगा, इंसान नहीं देख सकता। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या कहा कि जबकि अंधेरे पड़े हुए थे, अरब के माहौल में अंधेरे थे, कैसे वो लोग गुमराही में फंसे हुए थे, अल्लाह सुबहान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हिदायत का नूर पूरे माहौल में फैला दिया। अब जब हिदायत का नूर पूरे माहौल में आ गया तो अल्लाह ने क्या किया, उनकी आंखों की रोशनी को छीन लिया, जो अकल के अंधे, कल हमने पढ़ा था यामाहून, वो अकल के अंधे हो गए। अब सामने इतनी हिदायतें आ रही हैं, वहीं के वहीं रेवलेशन आ रहे हैं, वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रह रहे हैं, फिर भी देख नहीं सकते हक के नूर को, हिदायत के नूर को नहीं देख सकते, क्योंकि अंदरूनी रोशनी छीन ली गई, बाहर तो रोशनी ही रोशनी है लेकिन अंदर ही नहीं है रोशनी, तो अब कहाँ से दिखाई दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ही ने उनकी नूर को, उनकी रोशनियों को उचक लिया और उनको अब जुल्मत में छोड़ दिया, अंधेरों में छोड़ दिया, कौन से अंधेरों में, दलालत के अंधेरों, गुमराही के अंधेरों में छोड़ दिया, अब वो देख नहीं सकते, किस चीज को नहीं देख सकते, हक को नहीं देख सकते, मतलब अल्लाह सुबहानो ताला जो भी अहकाम नाजिल कर रहे हैं वो देखते हुए भी नहीं देख सकते, आंखों से तो देख सकते हैं लेकिन बसीरत से नहीं देख सकते, बसारत से सिर्फ देख सकते हैं, उनका अब विजन जो है, जो उनकी जो मत है ना, वो कहते हैं ना मत मर गई, तो मत मर चुकी है उनकी, अब वो अकल से पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, अंधे। तो अल्लाह ने यहाँ पर उन मुनाफिकों की मिसाल दी कि मिसाल उनकी यानी उन मुनाफिकों की जैसे कि मिसाल उस शख्स की कि जो जलाए रोशन करे आँख को, फिर जब रोशन हो जाए जो उसका माहौल है तो ले ले यानी उचक ले जाए अल्लाह उनके नूर को और छोड़ दिया उनको किसमें, अंधेरों में, गुमराही के अंधेरों में, नहीं वो सब देख सकते। क्लियर है आयत, सारे वर्ड्स क्लियर है, चले रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 18, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुम्मुम बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिउन, अल्लाह सुबहानो ताला अब इनके बारे में बता रहे हैं कि ये कैसे हैं, सुम्मुन है, बुकमुन है, उमियुन है, फहुम ला यरजिउन। सुम्मुन, सुम्मुन जो है असमुन का प्लूरल है, असमुन कहा जाता है बहरे को, डेफ, बहरा,
असमुन बहरा, और सुमुन का मतलब होगा बहरे, प्लूरल बन गया। अलीफ स्वाद मीम, असमुन बहरा, सुमुन बहरे। बुकमुन, बुकमुन का सिंगुलर है अबकमुन। अलिफ बा काफ मीम, अबकमुन। अबकमुन यानी अंधा, सॉरी गूंगा। अबकमुन गूंगा और बुकमुन गूंगे, इसका प्लूरल है। असमुन अबकमुन, ठीक है। बहरे गूंगे, उमियुन। उमियुन देखिए वो रूट लेटर कल आया था, या महून में आइन मीम हा आया था, तो हमने क्या कहा था, अकल के अंधे है ना, और अंधे होके भटक रहे हैं। वो जो तर्जुमा आया था या महून में, वही मिलता जुलता रूट लेटर है आइन मीम या, इसका भी तर्जुमा होता है। उमियुन का सिंगुलर है आमा, अलिफ आइन मीम या, आमा 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 यानी अंधा, और उमियुन यानी अंधे, प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। सुमन बहरे हैं यानी डेफ, बुकमुन गूंगे हैं यानी डम, और उमियुन यानी अंधे हैं ब्लाइंड। बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं। फहुम ला यर्जिउन, फ फिर, हुम वो सब, फिर वो सब, ला यर्जिउन ला नहीं है ना, हर्फे नफी है, ला नहीं यर्जिउन, या यतान का या है, या यानी वो, ऊना यानी सब, वो सब, रजा रजा रा जीम आइन, रजा का मतलब होता है लौटना। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दैट रजा, तो रजा आइन का मतलब होता है लौटना। अच्छा एक और इससे मिलता जुलता रूट लेटर आएगा, रा जीम हमजा, रजा आ आइन के साथ आएगा तो उसका मतलब होगा लौटना, और रा जीम हमजा आएगा तो उसका मतलब होगा उम्मीद, होप। रा जीम हमजा अगर आएगा तो उसका मतलब होगा उम्मीद या फिर होप। रॉ जीम आइन आएगा तो इसका मतलब होगा लौटना, टू टर्न, टू रिटर्न, ठीक है। प फिर, हम वो सब, ला यर्जियून नहीं वो सब लौटेंगे, यानी हक की तरफ अब नहीं लौटेंगे। कैसे हैं वो, बहरे हैं, फिर गूंगे हैं, फिर अंधे हैं। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, फहुम तो वो सब, ला यर्जियून नहीं वो सब लौटेंगे या लौटने वाले। तो यानी अल्लाह सुबहान तआला कैसे, क्या उनकी आंखें कान सब पर्दे हट गए, क्या हो गया, यानी हक को देखने, हक को सुनने के लिए बहरे हो गए, हक को बोलने के लिए गूंगे हो गए, और हक को देखने के लिए अंधे हो गए। यानी अब ना वो हक देख सकते हैं, ना हक बोल सकते हैं, ना हक सुन सकते हैं। यही हिदायत के रास्ते हैं ना, यहीं से अगर इंसान सुनेगा हक। अब आप लोग सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह सुबहान तआला ने आप लोगों को चुना कि आप क्या करें, अपने कानों का इस्तेमाल करें, फिर यही चीज दिल तक पहुंच रही है। फिर आप अगर ये सुनते हैं और फिर आप अपने रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में, तो यू आर सेइंग दिस है ना, हक आप सुन रहे हैं, हक आप बोल रहे हैं, आप अपने मुसहफ देख रहे हैं, कुरान देख रहे हैं, आप हक को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला क्या फरमा रहे हैं, मुनाफिकों का क्या मामला है, वो बहरे भी हो गए हक को देखने के लिए, गूंगे भी हो गए और अंधे भी हो गए। फहुम ला यर्जून, तो वो अब हक की तरफ नहीं लौट कर आने वाले, यानी सील्ड हो गए, अब वो जो चीज है वो लौटने वाले नहीं है। चले रिपीट करेंगे शाही साहब। वो नहीं लौटने वाले, ठीक। बिस्मिल्लाह, समझ आ गई ना आयत, आगे बढ़े। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आयत नंबर 19। औ कसवय्यिबिम मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क यजअलूना असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिन सवाइकी हज़र अल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन। औ कसय्यिबिम, औ जो है वाओ का तर्जुमा हमने किया था और औ का तर्जुमा हमने किया था या, है ना, कल आया था ये वर्ड, कहीं आया था या नहीं आया था, आया था, कहाँ आया था, कहीं आया था ना, आम आया था, औ नहीं आया था, चलो आम आया था या के लिए। औ का तर्जुमा भी होता है या, ठीक है, औ का तर्जुमा होता है या, ठीक है, कल आप लोगों का उस क्लास में आया था।
चले अब, यानी या का स्वयेवन, का फिर से आ रहा है, का हरफे जर है, का मतलब होगा लाइक, जैसे के, है ना। आओ या, यानी एक मिसाल ये बयान कर दी, अब दूसरी मिसाल बयान की जा रही है। एक तो ये हो गई मुनाफिकों की मिसाल, अब दूसरी मिसाल बयान की जा रही है। आओ या का जैसे के स्वयेबिन, स्वयेब कहा जाता है बारिश को, स्वयेबिन स्वयेब कहा जाता है बारिश को, ठीक है। स्वाद वाव बा इसके रूट लेटर हैं, स्वाद वाव बा, जिसकी जगह वाव की जगह या ने ले ली। और बारिश कैसी, जो जोर से होने वाली बारिश होती है उसको स्वयेबिन कहा जाता है। हाँ, स्वाद वाव बा रूट लेटर है और स्वाद या बा वर्ड में आता है वो, ठीक है। आओ या का जैसे के स्वयेबिन जोरदार बारिश, ठीक है, मूसलाधार जो बारिश होती है। या जैसे के बारिश मिन समाई, मिन हरफे जर है से, ठीक है। या जैसे के बारिश से, कहाँ से, असमाई, सीन मीम वाव इसके रूट लेटर है, समा कहा जाता है आसमान, ठीक है, आसमान। जैसे के बारिश मिन समाई, उल्टा तर्जुमा करेंगे, पहले समा का तर्जुमा करेंगे, मिन का बाद में करेंगे, क्योंकि मिन हरफे जर है। मिन समाई आसमान से, बारिश ऊपर से होती है ना, या जैसे के बारिश आसमान से ऊपर की जानी। फी ही जुलुमातुम व रअदुम व बर्कुम, फी ही, ये वर्ड कल हम पढ़ चुके हैं पूरा, फी ही, फी जी सीन मीम वाव, सीन मीम वाव समूह। जैसे के आसमान से बारिश, फी ही, फी और ही दो अलग अलग लग हैं, फी हरफे जर है और ही जो है अटैच प्रोनाउन है। फी का तर्जुमा क्या होगा, में, इन, और ही उसमें, है ना। उसमें क्या है, अभी ये वर्ड पढ़ा था जुलुमात, कैसे फॉर्म में पढ़ा था, आतिन फॉर्म में पढ़ा, अब यहाँ पर कैसे फॉर्म आ रहा है, आतुन, तो ये क्या है, प्लूरल फीमेल है, ठीक है, आतुन या आतिन आ जाएगा तो इसका मतलब है ये प्लूरल फीमेल है, जुलुमातुन जुलुमातिन। कभी कभी अल के साथ आएगा तो ये एक एक जबर, एक एक जेर जो है, एक पेश हट जाएगा, तो जुलुमातु जुलुमाती, इस तरह से आतु आती भी आ सकता है, वो इंशाल्लाह आगे आएगा तो हम देखेंगे। जुलुमातुन थी ही उसमें जुलुमातुन, अभी क्या मीनिंग लिया था उसका, अंधेरे, तो यहाँ पर भी तर्जुमा हो जाएगा अंधेरे। जब बारिश जोरदार होती है तो क्या होता है, अंधेरा छा जाता है, तो यहाँ पर जुलमतुन का प्लूरल है जुलुमातुन, अंधेरे, उसके अंदर वो जो बारिश आसमान से हो रही है उसमें अंधेरे भी हैं, और वाव यानी, और रादुन, रादुन कहा जाता है कड़क को, गरज, थंडर, थंडर बोल्ट जो होता है उसको कहा जाता है रादुन, रॉ आइन दाल ही इसका रूप बढ़े, रादुन, बिजली की जो कड़क होती है उसको राद कहा जाता है, गरज। व और बरकुन, बरकुन ब र क, इसके रूट लेटर बर्क कहा जाता है, बिजली इटसेल्फ यानी वो जो रोशनी होती है बिजली की उसको कहा जाता है बर्क। उसमें अंधेरे भी हैं और गर्ज भी है यानी कड़क भी है और बिजली भी है, बारिश हो रही है आसमान से, अंधेरे, कड़क और बिजली के साथ, उस रोशनी के साथ। यज अलूना असाबियाहुम, यज अलूना या वो, ऊना सब, वो सब, ये यतान का या है, या का तर्जुमा हो गया वो, ऊना हो गया प्लूरल के लिए, वो सब, जाला, जाला का तर्जुमा होता है बनाना, जीम आइन लाम का जनरली तर्जुमा होता है बनाना, लेकिन जाला का तर्जुमा चेंज होता है सेंटेंस के मुताबिक, दो तीन तर्जुमे अलग अलग आते हैं इसके जाला के। अभी चूंकि यहाँ पर उंगलियों की बात आ रही है तो यहाँ पर जाला का तर्जुमा हम करेंगे डालना, तो पुट पुट इन, ठीक है, डालना। यज अलूना या वो, वावनून सब, जाला डालते हैं, जाला का असल तर्जुमा क्या है, बनाना, डालना का तर्जुमा आएगा, ठीक है, तो पुट इन। यज अलूना वो सब डालते हैं, असाबियाहुम, असाबी, असाबी कहा जाता है उंगलियों को, ठीक है, उंगलियों को। हुम क्या है, अटैच प्रोनाउन, उन सब की उंगलियों को, उन सब की उंगलियों को। असाबिया में जो रूट लेटर है वो है स्वाद बा आइन, स्वाद बा आइन, सबा,
उनकी उंगलियों को वो सब क्या करते हैं, डालते हैं। कहाँ डालते हैं? फी आजानिहिम। फी हरफे जर है, फी का मतलब हो गया मे, आजान उजुन से बना है, उजुन एक कान को कहा जाता है, हमजा जाल नून। अजान सुनते हैं ना हम, कानों के जरिए से सुनते हैं ना हम, तो आजान कहा जाता है कानों को, ठीक है, इयर्स। हमजा जाल नून इसके रूट लेटर है, हमजा जाल नून। उजुन एक कान को कहा जाता है, आजान कानों प्लूरल, ठीक है। उनकी उंगलियों को उनके कानों में वो सब डालते हैं, असल तर्जुमा है बनाना, लेकिन यहाँ पर चूंकि उंगलियों की बात आ रही कानों में डालने की, तो हम क्या करेंगे, इसका डालने का तर्जुमा करेंगे। वो सब डालते हैं उनकी उंगलियों को उनके कानों में, या अपनी उंगलियों को अपने कानों में, ठीक है, बेटर तर्जुमा, ठीक है। लेकिन अभी हम वर्ड लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं तो यूं ही कर लेंगे, उनकी उंगलियों को उनके कानों में वो डालते हैं। मिन सवाई की हजर अल मौत, मिन फिर से हरफे जर आ गया, मिन का तर्जुमा होगा से, असवाई की, असवाई की इसके रूट लेटर है सीन आइन काफ, सीन आइन काफ, हाँ जी सीन आइन काफ। सवाई कहा जाता है बिजली की जोरदार, सॉरी स्वाद, आई एम सो सॉरी, स्वाद आइन काफ, स्वाद आइन काफ, जजाकुम अल्लाह खैर, ठीक है। बिजली के कड़ाके जो होते हैं ना, बहुत जोरदार जो गरज होती है, उसको सवाइक कहा जाता है, सवाइक, बिजली के जोरदार कड़ाके सवाइक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आया था रादुन थंडर, और यहाँ पर सवाई थंडर क्लैप्स, जो बहुत जोर से जो बिजलियां कड़कती है उसको कहा जाता है। तो उनके उंगलियों को उनके कानों में, मिन सवाई की बिजली के कड़ाकों से, हजर अल मौत हजरा, यही रूट लेटर है इसके, हजरा का मतलब होता है खौफ डर, हजरा यानी खौफ या डर। और किस चीज का डर है? अल मौती, मौत का डर, मौत के डर से। मीम वाव ता, इसके रूट लेटर भी सॉरी, मीम, मीम वाव ता, रूट लेटर है मीम वाव ता, मौत, मौत के डर से वो सब डालते हैं उनकी उंगलियों को उनके कानों में, कड़ाकों में, मौत के डर से। जब कड़ाके होते हैं तो मौत के डर से वो क्या करते हैं, अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, वह और अल्लाहु अल्लाह और अल्लाह, मुहीतुन, मुहीतुन का मतलब होता है इहाता कर लेना, टू सराउंड, मतलब किसी चीज को घेर लेने को कहा जाता है, इहाता करना या मुहीत करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक नाम भी है ना अल मुहीत, इहाता करने वाला, घेर लेने वाला। इसका रूट लेटर है हाउत, हा वाव तोय, और उसकी वाव की जगह ले ली है यान, हा वाव तोय। मुहित इहाता, मीम वाला, इहाता करने वाला, घेर लेने वाला, और अल्लाह घेर लेने वाला है किसको? बिल काफिरीना, अल काफिरीन, अल आ गया, अल का मतलब खास, वो जो जो ये काम कर रहे हैं उनके मुतालिक बात हो रही है, इसलिए खास काफिरों की बात हो रही है। अल काफिर, काफिर के रूट लेटर है काफ़ा, काफ़ा। अब देखिए काफिर जो है ना, एक हमने पैटर्न पढ़ा था मगदूब, कौन सा पैटर्न था वो? मगदूब मफ़ूल, मफ़ूल पैटर्न पढ़ा था हमने, क्या कर रहे थे हम उसमें, रूट लेटर डाल रहे थे और ऑब्जेक्ट बना रहे थे, फाइल से बना रहे थे, मफ़ूल यानी कातिल मक्तूल, है ना, नासिर मंसूर। तो यहाँ पर जो काफिर है, काफिर ये फाइल पैटर्न पर आ रहा है, फा अलिफ आइन लाम, फा अलिफ आइन लाम फाइल, फा अलिफ एक साथ लिखें और आइन लाम एक साथ लिखें, फाइल। फा के ऊपर जबर लगाना है, आइन के नीचे कसरा लगाना है, और लाम के ऊपर दो पेश लगा दें, फाइलुन। मफ़ऊलुन पढ़ लिया हमने, यहाँ पर आ रहा है फाइलुन। अब देखें इसके अंदर जो रूट लेटर है वो फे फा आइन लाम, और एक्स्ट्रा क्या है उसमें, अलिफ एक्स्ट्रा है ना, तो सेकेंड लेटर आपका अलिफ होना चाहिए। अब हम आपको रूट लेटर देते हैं,
आप क्या बनाएंगे उससे, फाइल बनाएंगे। फाइल कहा जाता है सब्जेक्ट को, काम करने वाला डूअर को कहा जाता है फाइल। अगर हम रूट लेटर आपको देते हैं शीन काफ रा, शीन काफ रा उस पैटर्न पर डालें और अलिफ लगाएं दूसरा, शाकिर। शाकिर का क्या मतलब होता है? शुक्र करने वाला, काम कर रहा है ना वो, शुक्र करने वाला। काफ प र, काफ प र, काफिर, कुफ्र करने वाला। ठीक है, फाइल पैटर्न पर आ गया। स्वाद ब र, साबिर, साबिर यानी सब्र करने वाला। फिर शीन र ब, शारिब, शारिब यानी हाँ पीने वाला, शराब पीने वाला नहीं, हाँ पीने वाला, क्योंकि अरबी जबान में शराब और उर्दू जबान की शराब बहुत मुख्तलिफ है। उर्दू में शराब कहा जाता है खमर, यानी कि जो अल्कोहल होता है, नशावर चीजों को शराब कहा जाता है। अरबी जबान में शराब कहा जाता है हर पीने वाली चीज को, ड्रिंक्स को कहा जाता है शराब अरबी में। ठीक है, तो शारिब यानी पीने वाला। फिर अगर हम और कोई वर्ड लें, खौफ का लाम, खौफ कातिल, कातिल यानी कत्ल करने वाला। जोए लामी, जालिम, जुल्म करने वाला। तो अब आप लोगों को दोनों पैटर्न पता चल गए, फाइल मफूल। आप फाइल भी बना सकते हैं, मफूल भी बना सकते हैं। रूट लेटर आपने कहाँ डालना है? फा आइन लाम की जगह पर। बाकी जो जैसा पैटर्न है, जो जबर जेर पेश है, सेम रखने हैं, बस रूट लेटर्स चेंज कर देना। फाइल यानी डूअर, काम करने वाला। मफूल यानी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम किया गया। तो कातिल मकतूल है ना, फाइल मफूल, कातिल मकतूल, जालिम मजलूम। ठीक है, शायद से समझ आया आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो काफिर यानी कुफ्र करने वाला, और ईना लग गया तो फिर क्या हो जाएगा? कुफ्र करने वाले, प्लूरल बन जाएगा, कुफ्र करने वालों। और बी क्या हो गया? हो, कुफ्र करने वालों को, काफिरों को क्या है, अल्लाह सुबहानो ताला ने में, अल्लाह सुबहानो ताला ने घेरे में ले लिया है, और अल्लाह तो घेरने वाला है काफिरों को, यानी उनको अल्लाह सुबहानो ताला ने घेरे में ले लिया है, यानी फिर आखिर उनको अल्लाह सुबहानो ताला अजाब में पकड़ लेगा, इसीलिए उनको घेरे में ले लिया। चले, आओ या कसवयिबिन का, जैसे के सवयिबन जोरदार बारिश, मिन समाई आसमान से, फी ही उसमें जुलुमातुन अंधेरे भी हैं, वरादुन और कड़क भी है, गरज भी है, वबरकुन और रोशनी भी है यानी बिजली भी है। अंधेरे और कड़क यानी के गरज और रोशनी यानी बिजली भी है। वो सब डालते हैं, जाला यानी बनाना, लेकिन यहाँ पर उंगलियों को कानों में डालने की बात हो रही है, तो यहाँ पर जाला का तर्जुमा डालने में चला जाएगा। वो सब डालते हैं उनकी उंगलियों को उनके कानों में, अपनी उंगलियों को अपने कानों में, मिन सवाई की जोरदार कड़ाकों से, हजर अल मौत मौत के डर से, और अल्लाह घेरने वाला है काफिरों को। अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान व तआला ने दूसरी मिसाल बयान फरमाई, औ कसवय्यिबिन। एक तो ये हो गया, जमीन की बात हो गई कि जिसने वही के नूर से क्या कर दिया, सारे माहौल को रोशन कर दिया। अब बात हो रही है आसमान से पानी की। अब देखिए, हमने कहा था ऊपर से जो भी चीज होती है नीचे की तरफ आती है, वो नाजिल शुदा चीजें होती है ना। यहाँ पर अल्लाह सुबहान व तआला मिसाल जो समा की दे रहे हैं और सयीब की दे रहे हैं, यानी कि बारिश की मिसाल दे रहे हैं, वो वही से दे रहे हैं। आसमान से नीचे की तरफ आता है पानी, उसी तरह वही जो थी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। अल्लाह सुबहानहु ताला फरमा रहे हैं कि जब आसमान से जैसे पानी उतरता है, उसी तरह आसमान से वही नाजिल हो रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही नाजिल हो रही है। अब बारिश क्या करती है? फायदा पहुंचाती है, लेकिन बारिश के साथ दूसरे उस बूंद भी है, बेंस भी है ना, रहमत भी होती है, कभी कभी जहमत भी होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बारिश तो हो रही थी, लेकिन साथ साथ अंधेरे भी है, कड़क भी है और बिजली भी है। इसका क्या मतलब है कि वही नाजिल होते होते जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हो रही है, तो सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं था, आजमाइशें भी आएंगी। कैसे आजमाइश आएगी? तुमको जिहाद में भी निकलना पड़ेगा, तुमको माल भी खर्च करना पड़ेगा, तुमको वक्त भी लगाना पड़ेगा, तुमको अपने घर वालों को छोड़ना भी पड़ेगा, हिजरतें भी करनी पड़ेंगी। तो ये सब क्या था कि वो सारी जुल्मतें हैं, वो अल्लाह ने इनको वो किया, कंपेयर किया कि जैसे आसमान से बारिश होती है तो उनके साथ साथ जुल्मतें, अंधेरे, कड़क, बिजली सब होती है,
उसी तरह से जैसे जैसे वही नाजिल हो रही थी उसके साथ साथ आजमाइशें भी आ रही थी। मुनाफिकों का ये मामला था कि जब तक माले गनीमत मिलता रहे, बूटी ऑफ वॉर्स मिलती रहे, तब तक तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जहाज में अपनी जाने लगाने पड़े तो ये तो हमसे नहीं होगा। हम अपने कारोबार छोड़कर चले जाएं, ये तो हमारी बस की बात नहीं। हम अपना सारा बिजनेस छोड़ दें और आपके साथ निकल पड़े, ये हमारे बस की बात नहीं। ठंडे ठंडे मुसलमान रहो, यानी कैसे कि जहां पर अच्छा अच्छा हो रहा है वहां पर कर लो, और जहां पर ऐसा है कि मुश्किल आएंगी तब हम तुम्हारे साथ नहीं है। मुनाफिक का यही मामला हो गया ना कि जब आजमाई चाहे तो हम आपके साथ नहीं है, वरना तो हमसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं। पहली सफ में खड़े हैं लेकिन खर्च करने को कहा जाए तो सबसे आखिर में। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि जैसे आसमान से बारिश नाजिल होती है और इतनी सारी उसके अंदर आजमाइशें होती हैं, उसी तरह से वही के साथ साथ जो आजमाइश आ रही थी तो वो क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक इंसान क्या करता है अपने कानों में उंगलियां डाल लेता है कि वो कड़ाके से मेरे कान ना फट जाए, मेरी जान ना निकल जाए, तो उसी तरह से ये क्या करते थे, ना हम सुनेंगे ना हमें अमल कर, ना हम इनके पास बैठेंगे जब ऐसी बातें नाजिल हो रही हो आजमाइश की या फिर जहाज में निकलने की या माल खर्च करने की। उस टाइम पे क्या करो, अलग थलग रहो, कानों में उंगलियां ठूस लो, यानी कि कानों तक वो बात पहुंचने ही ना दो। हमने सुना ही नहीं तो हम कहाँ से खर्च करते, हमने जाना ही नहीं था इस, कहाँ से आपके साथ जहाज में निकलते। तो ये मामला मुनाफिकों का बता दिया, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने उनको घेरे में ले लिया है, यानी कि बिल आखिर अल्लाह सुबहाना तआला उनको इस दो मुहेपन की क्या देने वाला है, सजा देने वाला है। ठीक है, चले रिपीट करें, समझ आ गई आयत, क्या हम रिपीट करें एक मरतबा और? एक मरतबा कर लेते हैं। या जैसे के बारिश का, जैसे के सोये बिन बारिश मिन से असमाई आसमान, आसमान से फी ही उसमें जुलुमातुन अंधेरे भी हैं, वह और रादुन गरज है, वह बरकुन और बिजली है, यज अलूना वो सब डालते हैं, असा बियाहुम उनकी उंगलियों को, फी फी आजानिहिम उनके कानों में, मिनत सवाई की कड़क से, हजर अल मौत मौत के डर से, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुन इहाता करने वाला है, घेरने वाला है, बिल काफिरीन काफिरों को, यानी के इनकार करने वालों को। चल रिपीट करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 20। यकादुल बरकू, शाही साहब आपको दिखाई दे रहा है, ये लास्ट लाइन भी दिख रही है ना? नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाए, है ना, थोड़ा सा करीब आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकादुल बरकू यख्तफू अबसारहुम, यकादु काफ वाव दाल इसके रूट लेटर है, और वाव की जगह किसने ले ली है, काफ वाव दाल अलिफ ने ले ली, ठीक है, या वो, ये यतान का या है, ठीक है, इसीलिए वो आ गया, कादू करीब है, कादू कादा या कादू का मीनिंग होता है करीब होना, ऑलमोस्ट का तर्जुमा आता है ऑलमोस्ट, ठीक है, करीब है, अलबरकू, अलबरकू अभी हमने पढ़ा बर्क यानी हाँ बिजली, अलबरकू करीब, हाँ जी, रूट वर्ड है इसका काफ वाव दाल, काफ वाव दाल, और वाव की जगह किसने ले ली है, हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकादू काफ वाव दाल, या वो कादू करीब है ऑलमोस्ट, अलबरकू बिजली की चमक, यख्तफू या वो, यतान का या है या, यानी वो, खौतौफा खौतफा इसके रूट लेटर है, खौतफा का मतलब होता है छीन लेना, छीन लेना उचक लेना, ये तर्जुमा होता है खौतफा का, के वो छीन ले या उचक ले, अबसारहुम, अबसार कल भी हमने पढ़ा था, अबसार बसर का प्लूरल है, आंखें है ना, बसवाज रहा इसके रूट लेटर है, बसर यानी एक आंख और अबसार यानी आंखें, हम उनके उनकी आंखों को करीब है कि बिजली की चमक वो छीन ले उनकी आंखों को। तो अब वो का तर्जुमा नहीं करेंगे हम ताकि सेंटेंस प्रॉपर बन जाए, करीब है कि बिजली की चमक छीन ले उनकी आंखों को, करीब था कि उनकी आंखें कौन छीन लेती, बिजली की चमक, कुल्लमा, कुल्लमा का तर्जुमा होता है जब भी, लिख लें
जैसे फलम्मा, आप लोगों को ज्यादा जिस चीज पर जो याद रखने वाली चीजें होंगी ना, वो ये छोटे छोटे लेटर्स यही परेशान करते हैं, बाकी सारी चीजें ना आ जाती है इंशाल्लाह। तो कुल्लमा का तर्जुमा लिख लें जब भी, और लम्मा का तर्जुमा क्या लिखा था? अभी लिखा था लम्मा, लम्मा लिखा था जब। हाँ, ये जो छोटे छोटे वर्ड है ना, उसकी एक लिस्ट बना लें आप लोग, ताकि क्या होगा आप लोगों के सामने रहे वो इंशाल्लाह। कुल्लमा जब भी, जब कभी, जब भी, ये तर्जुमा हो गया कुल्लमा जब भी। ठीक है, ये काबू करीब का अलबरकू बिजली, सॉरी करीब है अलबरकू बिजली की चमक, यह सबू कि वो क्या करते हैं, छीन लेती अबसारों को, उनकी आंखों को, उनकी बसारतों को। कुल्लमा जब भी, जब कभी, व्हेनेवर का तर्जुमा हो जाएगा व्हेन, जब कभी। अगा अलहुम मशौकी व इजा अज़लमा अलैहिम वलौ शा अल्लाहु लज़हबा बिसमाइहिम व अबसारिहिम इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। अदाआ, अभी ये वर्ड आया था अदाअत फीमेल फॉर्म में, अदाअत मा हौलहू है ना, अब ये मेल फॉर्म में आ गया। क्यों हम मेल फॉर्म कह रहे हैं? क्योंकि गोल ता के ऊपर सुकून नहीं है ना, तो मेल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ता जो फेमिनिन वाला था वो निकाल लिया गया, तो अदाआ द्वाद वाव हमजा, इसके रूट लेटर वही है, द्वाद वाव हमजा। द्वाआ का मतलब होता है रोशनी होना, जिया रोशनी, रोशन हो गया, रोशनी हो गई। लहुम उनके लिए, ला हरफे जर है, प्रपोजिशन है, ये वही ली है जो के ला के फॉर्म में आया, तो कभी ली आएगा कभी ला आएगा, जनरली ला आता है अटैच प्रोनाउन के साथ, कभी इसम के साथ आता है तो ली बन जाता है, और हुम के साथ आता है, जैसे अटैच प्रोनाउन के साथ आता है तो ला आ जाता है। अदा रोशनी हो गई, लहुम उनके लिए, मशव फी, मशव मशव कहा जाता है चलने के, वाव अलिफ किसके लिए आ जाएगा, प्लूरल के लिए आ जाएगा, और मशव के रूट लेटर है मीम शीन या, मीम शीन या, तो मीम शीन तो रह गया यहाँ पर, या यहाँ से ड्रॉप हो गया है, क्योंकि वो क्या है, हरफे इल्लत है, वीक वॉवल है, वीक लेटर है, तो मशा यानी चलना, और वाव अलिफ वो सब चलते हैं। अदवा रोशनी हो जाती है, लहुम उनके लिए, मशव वो चलते हैं, वो सब चलते हैं, फी ही, फी फिजर है, फी का मतलब में, और ही यानी उस, उसमें उसमें वो चलते हैं। जब भी कुल्लमा अदा आ लकुम मशौ फीही, कुल्लमा जब भी, जब कभी, अदा आ रोशनी हो जाती है, लहुम उनके लिए, मशौ वो सब चल पड़ते हैं, फी ही उसमें। व इजा अजलमा, व और इजा और जब, अजलमा, अजलमा जोए लामीम, अभी जुल्मत वर्ड पढ़ा था हमने, क्या मतलब है अंधेरा, तो वह इजा और जब अजलमा अंधेरा छा जाता है, अलै हिम अला पर, हिम उन पर, कामू कामू काफ वाव मीम, इसके रूट लेटर काफ वाव मीम, हम इससे पहले पढ़ाए हैं ऐसा कुछ वर्ड, हाँ युकी मुना में पढ़ाए हैं, और कहाँ पढ़ाया है ये रूट लेटर, सूरह फातिहा हमें कहीं पढ़ा था, सीधे से रिलेटेड है, समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेट, अल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम का भी रूट लेटर वही है ना, और फिर हमने युकीमुना कायम करने में भी वही पढ़ा था, अभी कौमू में भी वही रूट लेटर आ रहा है, काफ वाव मीम, कौम का मतलब होता है समथिंग स्ट्रेट है ना, सीधा, तो कौमू मतलब खड़े रह जाते हैं, इंसान खड़ा होता है तो स्ट्रेट होता है ना, कौमू वो सब खड़े रह जाते हैं, जब रोशनी होती है चल पड़ते हैं, जब अंधेरा छा जाता है खड़े रह जाते हैं, और जब अंधेरा छा जाता है अलैहिम उन पर, कामू तो वो सब, वावलिफ वो सब, कामा खड़े रह जाते हैं, काफ वाव मीम वाव की जगह अलिफ ने ले ली है। वलो शा अल्लाहु, व और लव अगर, शाह चाहे, अच्छा इंशाल्लाह हम कहते हैं, इंशाल्लाह का क्या तर्जुमा होता है, इफ अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह चाहे, तो लव और इन दोनों का तर्जुमा होता है इफ, अगर लव या इन, इंशाल्लाह कहें लव शाल्लाह, दोनों का सेम ही तर्जुमा है। ठीक है, लव यानी अगर, और इन का मतलब भी अगर होता है। ठीक है,
लव का तर्जुमा दूसरा भी आएगा, लेकिन हम बाद में देखेंगे जब वो आएगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान ताला क्या फरमा रहे हैं, लव शाह, शाह का रूट लेटर है शीन या हमजा, शीन या हमजा, ये अलिफ जो है उसने या की जगह ले ली। वलव, और अगर शाह चाहे, अल्लाहु अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, लज़हबा बिसमईहिम, ला अरबी जबान में बहुत से मुख्तलिफ किस्म के ला होते हैं, ठीक है, तो सबको अपना अपना एक एक नाम दिया जाता है। अब तक जो हम ला या ली पढ़ता रहे हैं उसका क्या नाम था, हाँ तर्जुमा ये था, लेकिन ना टाइटल क्या था उसका, हर्फ जर है ना, हर्फ जर था, यानी कि प्रपोजिशन था। यहाँ पर जो ला आ रहा है वो है हर्फ ताकीद, लिख लें, हर्फ ताकीद कहा जाता है एम्फेटिक पार्टिकल, एम्फेटिक लाम, जिससे एम्फेसिस की जाती है, एम्फेटिक लाम। एम्फेसिस किसे कहा जाता है, किसी बात में जोर पैदा करना, ताकीद पैदा करना, बात में वजन पैदा करना। तो ये ल का तर्जुमा हम लिए नहीं करेंगे, इस ल का तर्जुमा होगा इंडीड, वेरीली, सर्टेनली, बेशक, यकीनन, ये सब तर्जुमे होंगे, ठीक है, ल, अलबत्ता, या बेशक, या यकीनन। जहबा भी अभी आया था, जहबा भी, जहबा का मतलब जाना, जहबा भी का मतलब ले जाना, जहबा मतलब जाना, जहबा भी का मतलब होता है ले जाना। तो ल अलबत्ता, जहबा भी, ले जाता, और अगर चाहता अल्लाह, ल अलबत्ता, या बेशक, जहबा भी, ले जाता, बिसमईहिम, भी समात, तीन नीम आइन, कल पढ़ा था ना हमने कि उनके आंखों पर और उनके कानों पर क्या, सॉरी, उनके दिलों पर, अला कुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम, खत्म अल्लाह अला कुलूबिहिम व अला अब्सारिहिम, कल ये पढ़ लिया था। तो समा यानी समात का है ना, उनके कानों को, उनकी समात को, अगर चाहता अल्लाह, अलबत्ता, या बेशक, यकीनन, ले जाता, क्या क्या ले जाता, उनकी समाज को, उनके कानों को, वह अब्सारिहिम, वह और अब्सार, बसर का प्लूरल है अब्सार, आंखों, हिम उनकी, उनकी आंखों को, और अगर चाहता अल्लाह, जरूर या अलबत्ता, ले जाता, जहाबा भी, ले जाता, समईहिम, उनकी समाज को, उनके कानों को, वह अब्सारिहिम, और उनकी आंखों को। इन्ना अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्ना वर्ड आया था कल, इन्ना यानी बेशक, इंडीड, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, बेशक अल्लाह अला, अला हर, सॉरी पर, अला हर्फ जर है, प्रपोजिशन है अला यानी पर, कुल्ली, काफ, लाम, लाम, इसके मुख लेटर है, कुल्ली मतलब कुल, एवरी, हर, ठीक है, एवरी या हर, शैइन, शैइन, शैइन यानी चीज, शैइन यानी चीज, ठीक है, और इसके रूट लेटर है शैइन के शीन या हमजा, जो लिखा हुआ है वही उसके रूट लेटर है, शैइन, शीन या हमजा। शैइन मतलब कुल्ला शैइन, एवरीथिंग, हर चीज, अला पर, बेशक अल्लाह हर चीज पर क्या है, कदीर, कदरा, काफ, दाल, रा, इसके रूट लेटर है, कदरा का मतलब होता है ऑल पावरफुल, कुदरत रखना, ठीक है, कदरा, कुदरत रखना। अच्छा, इस कदीर किस पैटर्न पर है, फईल पैटर्न पर, क्या है क्वालिटी फईल पैटर्न की, कंटिन्यूटी है ना, तसलसल है, दवाम है, एज वेल एज एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन है, एज वेल एज कंटिन्यूटी, ठीक है, बढ़ना भी है और साथ साथ रहना भी है, ठीक है, कंटिन्यू। अल्लाह रब्बुल इज्जत के जितने भी नामों के सिफात हैं वो कभी खत्म होने वाली नहीं, अल्लाह की जो कुदरत है वो कभी स्टॉप होने वाली है, वो अजल से अबद तक हमेशा रहेगी, उसका कोई शुरुआत नहीं है, उसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो कदीर इज ऑन द पैटर्न ऑफ फईल, और फईल पैटर्न हमेशा एग्जैजरेशन एज वेल एज मुबालगा, मुबालगा प्लस कंटिन्यूटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर कदीर मतलब उसकी कुदरत हमेशा रहने वाली है, साथ साथ हमेशा अपने लेवल जो हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही हुई, वो एग्जैजरेटेड वर्जन में हो। बेशक अल्लाह हर चीज पर, उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं, अला की वजह से, अला क्या है,
हर्फ जर, तो हर्फ जर की वजह से उल्टा तर्जुमा होगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर क्या है, कदीर, कुदरत रखने वाला है। वलो शाह अल्लाह, और अगर चाहता अल्लाह, ला जहबा, ला कौन सा ला है, ये लामे ताकीद है यानी एम्फेटिक ला, भी ले जाता, और सिर्फ जहाबा आता तो जाना, जहाबा का मतलब होता जाना, जाना और जहाबा भी मतलब ले जाना, अलबत्ता ले जाना और उनके अफसार, उनकी आंखों को, बेशक अल्लाह हर चीज पर कदीर कुदरत रखने वाला है। ठीक है, हम रिपीट करते हैं इस आयत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकादु करीब, ऑलमोस्ट है ना, यकादु करीब था, करीब है, अलबर्कु बिजली की चमक, यख्तफू के वो छीन लेती या उचक लेती, अब्सारहुम उनकी आंखों को, कुल्लमा कुल्लमा जब भी, और लम्मा जब, ओनली जब, लम्मा जब, कुल्लमा जब भी, अदाआ अदाआ क्या है, अदाआ जो पढ़ा था वही अदाआ है, अदाआ फीमेल था, ये अदाआ मेल है, अदाआ हो गई, उनके लिए मशाउ वो सब चलने लगे, थी ही उसमें, वइजा और जब, अज़्ज़मा अंधेरा छा गया, अलैहिम उन पर कौमू तो वो सब खड़े रह गए, वलो शाह अल्लाहु और अगर चाहता अल्लाह, ला जहबा, ला लामे ताकी, ला जरूर जहबा भी दे जाता उनकी समाज को और उनकी आंखों को, बेशक अल्लाह हर चीज पर क्या है, कदीर कुदरत रखने वाला है। अब यहाँ पर क्या फरमाया जा रहा है, ये करीब था अल्लाह के, क्या कर, ये बिजली जो थी इनकी आंखों को उचक ले जाती, और जब भी इनके लिए रोशनी होती तो वो उसमें चल लेते, और जब अंधेरा छा जाता तो क्या हो जाता, वो रुक जाते। अब देखिए, कोई एक शख्स है जो कि बहुत गहरे जंगल में खड़ा हुआ है और वहां पर कोई रोशनी का सहारा नहीं है, लेकिन बिजली कड़क रही है, तो जब जरा सी बिजली कड़कती तो हल्की सी रोशनी होती है, तो वो उसमें क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपने एक दो स्टेप्स को आगे बढ़ा सकता है। अल्लाह सुबहान व तआला यहाँ पर मुनाफिकों के मुतालिक फरमा रहे हैं कि इनका मामला यूं हो गया था कि जब भी क्या होता था, फायदे दिखाई दे रहे होते थे तो क्या करते थे, हम तुम्हारे साथ खोल, और जब क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि अब हमें बड़ी आजमाइश आने वाली है, तो क्या करते, अब अलग 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 रहो, अलग ही रहना है, क्योंकि अब क्या हो जाएगा, हमें कभी ऐसा ना हो कि यलगार आ जाए कि चलो जिहाद के लिए, अब तब हम क्या करेंगे, तब हम नहीं जा पाएंगे, तो अब क्या करें, हम अलग ही अलग रहे। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि जैसे रोशनी हो गई, माले गनीमत मिल रहा है, चलो चलो हम तुम्हारे साथ जहाद के लिए निकल आए, नहीं, अभी तो हमारे घर की, अभी तो हमारी खेतियां कटनी है, अभी तो हमारा बिजनेस बाकी है, अरे मुझे तो अभी वहां पर ट्रेड के लिए जाना है, अरे अभी तो मुझे ये सारे काम पड़े हुए हैं। तो अल्लाह ने क्या बता दिया, इनके जो डुअल पॉलिसी थी, कभी कुछ कभी कुछ, तो ये मुनाफिकों की सिफत बता दी गई। अल्लाह सुबहाना ताला फरमा रहे हैं, अगर अल्लाह चाहता तो वाकई में इस ये ताकत रखता है कि इनकी आंखों और इनके समाज को छीन ले। पिछली उम्मतों पे किस किस किस्म के आजाब आए ना, अल्लाह सुबहाना ताला फरमाता है कि मैं इस पर कुदरत रखता हूँ, तुम्हारा रब हर चीज पर कादिर है कि वो तुम्हारी, असल में तुम्हारे कानों को छीन ले कि तुम्हारे कानों पर वही गुजरे ही ना, तुम्हारी आंखों को छीन ले कि तुम हक को देखने से कासिर हो जाओ, लेकिन अल्लाह सुबहानो ताला ने अब भी तुम्हें वक्त दिया हुआ है, मोहलत दी हुई है, किस लिए, ताकि तुम या तो ट्रैक पर आ जाओ, और अगर नहीं तो अल्लाह सुबहानो ताला ने तो वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, उसने तो वैसे ही तुमको घेरे में ले लिया। चलो रिपीट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 21। يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ। अब यहाँ पर सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है, या अयुहा आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख ले, तीन वर्ड आएंगे अरबी जबान में ऐसे ही मिलते जुलते, कभी या आएगा, सिर्फ या आ जाएगा, या फिर या अयुहा आ जाएगा, या फिर या अय्यतुहा आ जाएगा, या अयुहा, ये या अयुहा जो है ना, या तो या आएगा, या अयुहा आ जाएगा, या अय्यतुहा, अय्यतुहा या अय्यतुहा, तीनों का सेम मीनिंग है, ए ओ, हम कहते हैं ना ए अल्लाह या अल्लाह, तो
वही तर्जुमा, या अल्लाह ए अल्लाह, ओ अल्लाह, तो या अय्युहा या अय्यतुहा, तीनों का तर्जुमा होगा ए। अन्नासु या अय्युहल नासु, ए अन्नासु। अन्नासु वर्ड कल पढ़ा था हमने, इंसान, हमजा नून सीन इसके रूट लेटर है, इनसे बना इंसान, ए इंसानों, ए लोगों, लोगों का भी तर्जुमा कर सकते हैं, ए लोगों, ओ मैनकाइंड, ए लोगों, ओ गुरु। वाव अलिफ आ गया, वाव अलिफ इज फॉर प्लूरल जमा, दाल। अच्छा ये कमांड है, हुक्म दिया जा रहा है, क्या क्या हुक्म दिया जा रहा है, तुम सब ओ गुरु आइन मा दाल इबादत करो, ए लोगो ए इंसानों, ओ बुधो तुम सब इबादत करो, तुम सब, ठीक है, तो तुम सबके रब की, अपने रब की, तुम सबके रब की, ए लोगो तुम सब इबादत करो तुम्हारे रब की, क्लियर, इतना, ए लोगो ए इंसानों तुम सब इबादत करो तुम्हारे रब की, अल्लजी, इसमें मौसूल अल्लजी सिंगुलर है अल्लजीना का, वो जो, वो रब कौन है, वो जो, वो जिसने, खलका कुम, खलका ख नाम का, इसके रूट लेटर है खलका, खलका मतलब पैदा किया, तखलीक किया है ना, खलका ही क्रिएटेड यू ऑल, ठीक है, खलका उसने पैदा किया कुम तुम सबको, ए लोगो तुम सब इबादत करो तुम्हारे रब की, वो रब जिसने खलककुम तुम सबको पैदा किया, वल्लजीना वा, और अल्लजी का प्लूरल अल्लजीना, वो सब लोग जिन्होंने, जो वो सब लोग जो, मिन कबलिकुम, मिन से कबल, कबल यानी पहले, हमने पढ़ा ना उनजिला मिन कबलिका है ना, आपसे पहले, तो यहाँ पर का की जगह कुम आ रहा है, वहां पर आपसे पहले था, यहाँ पर कुम तुम सबसे पहले, तो मिन से अगले पहले, तुम सब, तुम सब से पहले, और वो लोग, वो सब जो क्या थे, तुम से पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून, लअल्ला, अच्छा लअल्ला का तर्जुमा आप लोग लिख लें, लअल्ला का तर्जुमा शायद के आता है, शायद के, परहैप्स, गोया के, शायद के, गोया के, ताके, शायद के, गोया के, ताके, परहैप्स मे बी, परहैप्स मे बी, ताके, गोया के, शायद के, ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा हम करेंगे ताके, ताके तुम सब, ताके तुम सब, तत्तकून, ता यतान का ता है, वाव नून हूना यानी सब, तुम सब, वाव काफ या इसके रूट लेटर है, मुत्तकीन वर्ड पढ़ा था हमने, वही तत्तकून है, ता तुम वाहनों सब, वाव काफिया वकाया रूट लेटर है इसके, वाव और या दोनों ड्रॉप हो गए, क्या बचा, सिर्फ ऑफ रह गया और ता एक्स्ट्रा लेटर है, तुम सब परहेजगार बन जाओ, तुम सब तकवे वाले बन जाओ, तुम सब गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, क्यों इबादत करनी है रब की, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ए लोगो या अय्युहन नासु, ए लोगो तुम सब इबादत करो तुम्हारे रब की, वो जिसने तुम सबको पैदा किया, और वो लोग जो तुमसे पहले थे, जो तुमसे पहले थे उनको भी नहीं पैदा किया, लअल्लकुम ताके तुम सब क्या हो जाओ, परहेजगार बन जाओ, तत्तकून तकवे वाले बन जाओ। अब याद रखें अल्लाह सुभान व तआला जैसे लोगों को पुकारते हैं उसी किस्म की दलील देते हैं, यानी कि जब भी कहा जाएगा कि इबादत करो, ए बंदो इबादत करो, तो अल्लाह दलील देंगे इबादत क्यों करनी है, क्योंकि वो उस लायक है कि इबादत की जाए, तो अल्लाह ने क्या बताया कि इबादत क्यों करो, रीजन दिया कि उसने तुमको पैदा किया इसलिए तुम इबादत करो, दूसरा तुमसे पहले जितने भी गुजर चुके थे उन सबको भी उसी ने पैदा किया, और ये इबादत से क्या फायदा निकलेगा, तुम तकवे वाले बन जाओ, तुम परहेजगार बन जाओगे। देखिए अल्लाह सुबहानो ताला अभी यहाँ पर दलीलें देंगे कि इबादत क्यों करनी है, और किसको खिताब किया यहाँ पर, तमाम लोगों को, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को नहीं कहा जा रहा है, तमाम लोगों को कहा जा रहा है कि तुम सब इबादत करो। अब जब सबकी बात हो रही है तो इसमें काफिर भी है, मुनाफिक भी है, मुशरिक भी है, मुसलमान भी है, जैसा अल्लाह सुबहानो ताला ऑडियंस को पुकारते हैं, जिस किस्म के ऑडियंस को पुकारते हैं दलील भी उसी किस्म की देते हैं, ठीक है, इबादत क्यों करनी है,
दलील आगे आ रही है, इबादत यूं करनी है। एक पहली दलील ये कि उसने तुम्हें पैदा किया है और तुमसे पहले को पैदा किया है, और इबादत का फायदा ये होगा कि तुम क्या बन जाओगे, परहेजगार बन जाओगे। आगे की दलील हम देखेंगे इंशाल्लाह, पहले हम इस आयत को रिपीट करते हैं। ए लोगो, ए इंसानो, तुम सब इबादत करो तुम्हारे रब की, अपने रब की, वो जिसने तुम सबको पैदा किया, और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया, है ना। वो लिखा नहीं है बट इट इज अंडरस्टूड के खलककुम, और उन जो तुमसे पहले थे उनको भी पैदा किया, लअल्लकुम, ताकि तुम सब तत्तकून, तुम सब परहेजगार बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ। चलें पहले रिपीट करें फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 22, अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध फिराशं वस्समाअ बिनाअं वअंज़ला मिनस्समाई माअं फअख्रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़ं लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादं वअंतुम तअलमून। अब अल्लाह सुब्हानहु तआला देखे, इबादत करने के लिए जब लोगों को कहा तो फिर उनके लिए दलीलें दी जा रही हैं कि क्यों रब की इबादत करना चाहिए। पहले तो बताया गया रब कौन है, वो जिसने क्या किया, तुम सबको और तुमसे पहले को पैदा किया। अब यही बात जो है यहाँ पर कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि आयत जो 21 है उसके ऊपर ला लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, यानी बात अभी मतलब अधूरी है, तो अभी इसको जारी रखना है। ला का मतलब है डोंट स्टॉप, यहाँ पर रुकना नहीं है, ला यानी नहीं। तो यहाँ पर हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है, वो जिसने तुम सबको पैदा किया तुमसे पहले को भी। रब्बुकुम अल्लज़, ये यहीं से कंटिन्यू रखें, रब्बुकुम वो तुम्हारा रब वो है, वो जिसने जअला, जअला का क्या तर्जुमा देखा था हमने, आगे आ जाएंगे थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो क्या कहा, रब्बुकुम तुम्हारा रब है, अल्लज़ी वो जिसने, जअला, जअला का तर्जुमा, असल तर्जुमा अब यहाँ पर आ रहा है बनाया, वो जिसने बनाया, लकुम, ला हरफे जर है, ला लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, अगर ला ला में ताकीद होता तो क्या तर्जुमा करते, हाँ अलबत्ता या बेशक, है ना, लकुम तुम्हारे लिए, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए किस चीज को, अल अर्दा, अल अर्दा हमजा रौ दुआद इसके रूप में, अर्द यानी अर्थ, जमीन, जमीन को क्या बनाया तुम्हारे लिए, फिरोशन, फ रौ शीन इसके रूट लेटर है, फर्श, फर्श कहते हैं ना हम, फ्लोरिंग, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, वस्समा, वा आ चुका, समा आ चुका, वा और असमा, तीन मीम वा रूट लेटर है, आसमान, और आसमान को बिना अन, बा नून या, बा नून या, बनी का मतलब होता है तामीर करना, टू कंस्ट्रक्ट, किसी चीज को बनाना, बा नून या रूट लेटर का मीनिंग होता है टू कंस्ट्रक्ट, टू मतलब किसी चीज को बनाना। तो बिना यहाँ पर कहा गया है छत, कैनोपी, छत, ठीक है, जमीन को क्या बना दिया तुम्हारे लिए, फर्श, और आसमान को क्या बना दिया, छत बना दिया। वह अनजला मिनस समाई, वह और अनजला, उनजिला पढ़ा था हमने, कैसा फॉर्म था वो, पैसिव था, मजहूल था, ये एक्टिव फॉर्म आ रहा है, उनजिला मतलब उसके नाजिल किया गया, अनजला मतलब उसने नाजिल किया, है ना, क्योंकि अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाजी वो जिसने अनजला नाजिल किया, मिनस समाई, मिन फिर से हरफे जरा आ गया, मिन यानी से, असमाई आसमान, आसमान से, मा अन कहा जाता है पानी को, ठीक है, मा कहा जाता है पानी को, और इसके रूट लेटर्स हैं मा अन के, मीम वाव हा, मीम वाव हा, मुंह, मा अन पानी, और नाजिल किया आसमान से, और उसने नाजिल किया आसमान से, मा अन पानी, फअखरजा बिही, फ फिर, सो देन, देन या फिर का तर्जुमा होगा, फ फिर, अच्छा इसके रूट लेटर क्या होंगे, खरजा, खरजा, अब याद रखें खरजा अगर ख के ऊपर जबर और इस तरह से आएगा खरजा तो उसका तर्जुमा होगा निकलना, लेकिन जब अखरजा होगा तो तर्जुमा आएगा निकालना, दोनों अलग अलग तर्जुमे होंगे, खरजा मतलब निकलना और अखरजा मतलब निकालना, खरजा यानी खुद निकल जाना और अखरजा का मतलब हो जाएगा निकालना, ठीक है, टू ब्रिंग फोर्थ, टू ब्रिंग फोर्थ अखरजा,
और टू कम खरज, टू कम आउट खरज, और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला भी ही बी से ही उससे उससे उस पानी से क्या निकाला, मिनत समराती, देखे असमराती के रूट लेटर है सीन मीम रा समर, समर नाम भी आपने सुना है, समर का मतलब होता है फल, ठीक है, समर यानी फल। आती, ये अभी हमने पढ़ा था जुलुमातुन जुलुमातिन, यहाँ पर आ रहा है आती, क्यों आ रहा है ये आती, क्योंकि अल लग गया है, जब भी अल आ जाता है ना किसी फीमेल प्लूरल वर्ड के पहले तो वो दो जबर जो दो पेश है वो एक जबर या एक पेश बन जाता है, ठीक है, या तो आतुन आतिन होगा या आतू आती होगा, तो ये क्या इंडिकेट करेगा फीमेल प्लूरल को, तो यहाँ पर ये किस चीज की बात हो रही है, फलों की बात हो रही है, फल की बात नहीं हो रही, फलों को, है ना। फिर और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उससे फलों को, क्योंकि अगर ये सिर्फ समर होता तो फल करते, आती लग गया तो हम फलों करेंगे तर्जमा प्लूरल फॉर्म में, फलों को निकाला, फिर उससे फलों को निकाला, रिज़्क़न लकुम, रिज़्क़न रो ज़ाक़ा, रिज़्क लकुम सॉरी ला हरफे जर है ला यानी लिए कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए रिस्क बनाकर फलों को निकाला, ठीक है। और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उससे यानी उस पानी से फलों को, फिर उससे निकाला, फिर निकाला उससे यानी उस पानी से, जो ही की जमीन है ये माँ की तरफ जा रही है, मिनस समराती फलों को, रिस्कन रिस्क बनाकर, लकुम तुम्हारे लिए, फला तजअलु लिल्लाही अंदादन व अंतुम तालमून, फिर ला नहीं, फला फिर नहीं, तजअलु ता तुम, वावलिफ किसके लिए आ जाएगा, सब तुम सब, जाला बनाओ ये असल तर्जुमा, और फिर नहीं तुम सब बनाओ, लिल्लाही ली और प्लस अल्लाह दो अल्फाज हैं, ली यानी लिए, अल्लाही यानी अल्लाह, अल्लाह के लिए, फिर नहीं तुम सब बनाओ अल्लाह के लिए, अंदादन अंदादन नून दाल दाल, इसके रूट लेटर है नून दाल दाल, निद कहा जाता है किसी को बराबर ठहराना, किसी को इक्वल कर देना, किसी को बराबर ठहरा देना, किसी को शरीक ठहरा देना, ठीक है, राइवल जिसको कहते हैं ना इंग्लिश में राइवल, तो राइवल के लिए आता है निद, नून दाल दाल निद, निदुन का प्लूरल है अंदाद, अंदाद अंदाद यानी राइवल्स, फिर नहीं तुम सब बनाओ अल्लाह के लिए शरीक यानी उसके बराबर, व अंतुम व और अंतुम अंता अंतुम क्या होगा तर्जुमा, तुम सब है ना, और तुम सब तालमून ता यतान का ता, ता यानी तुम, वाउनून यानी सब, तुम सब आइन लाम मीम रूट लेटर है, इल्म रखते हो तुम सब जानते हो, फिर नहीं तुम सब बनाओ अल्लाह के लिए अंदाज शरीक बराबर, और तुम सब तो इल्म रखते हो, तुम सब तो जानते हो, क्या जानते हो ये सारी बातें, क्या जानते हैं, वो जिसने, वो तुम्हारा रब कौन है, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उससे फलों को। अब देखिए यहाँ पे मिन का तर्जुमा हमने को कर दिया है ना, तो कभी कभी रैली तर्जुमा चेंज हो जाता है किसका, हरफे जर का, लेकिन जनरल तर्जुमा इसका सही होगा, ठीक है, फलों को, रिज़्क़न लकुम रिस्क बनाकर, लकुम तुम्हारे लिए, रिस्क तुम्हारे लिए, तो नहीं फला तो नहीं, तजअलु तुम सब बनाओ, लिल्लाही अल्लाह के लिए, अंदादन शरीक यानी बराबर, और तुम सब तो इल्म रखते हो, तुम सब तो इस बात को जानते ही हो, क्या कहा अल्लाह ने, ऐ लोगो इबादत करो, ठीक है, पूरी ऑडियंस यानी पूरे नौए इंसानी को अल्लाह ने पुकार कर कहा है ऐ लोगो इबादत करो, तो अल्लाह ने दलील भी वैसी ही दी, कैसी दलील जी, कि जमीन को तुम्हारे लिए फर्ज बनाया, आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया, तो देखिये ऐसा नहीं है कि काफिरों के लिए जमीन फर्ज नहीं है, मुशरिकों के लिए भी जमीन फर्ज है, आसमान जो है छत है, काफिरों के लिए भी बारिश हो रही है, मुशरिकों के लिए भी बारिश हो रही है, मुसलमानों के लिए भी बारिश हो रही है, हाँ अगर अल्लाह सुबहानहू ताला यहाँ पर खिताब मोमिनों को करते
तो कुछ और तरीके से इबादत का वो देते दलील, ऐ मोमिनो इबादत करो, तुम पर कुरान नाजिल किया, क्योंकि ईमान ला चुके ना, अब ऐसी दलील दी जाएगी, ऐ मोमिनो इबादत करो, तुम पर नबी भेजे, ऐ मोमिनो इबादत करो, हमने तुम पर ये एहसान किया कि तुम्हें हिदायत अता की। तो ये दलील कैसी होती है? अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, क्योंकि अल्लाह को पता है यहाँ पर नास्तिक लोग भी हैं, यहाँ पे एथीज भी हैं, यहाँ पर जो लोग हैं स्वाबी भी हैं, नसरानी भी है, क्रिश्चियन भी है, ज्यूज भी हैं, सबको जब खिताब किया जा रहा है, कॉमन नेचर के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? के अल्लाह सुबहान तआला जब जैसी ऑडियंस को मुखातिब होते हैं, दलील भी वैसी देते हैं। कोई कोई अगर एथीज भी होगा ना, खुदा को नहीं भी मानने वाला, वो इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा कि आसमान से पानी बरसता है? वो इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा कि जमीन पे हम चलते फिरते हैं, वो हमारे लिए फर्श है, आसमान हमारे ऊपर छत है, और हम फल खाते हैं, वो रिस्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो अल्लाह ने कहा, ये सब करने वाले तुम खुद हो क्या? ये करने वाला तुम्हारा रब है। जब ये सब तुम जानते हो कि ये करने वाला तुम्हारा रब है, तो तुम कैसे उसके साथ शरीक ठहरा देते हो? कैसे उसके बराबर मद्दे मुकाबिल दूसरे इलाह को लेकर आ जाते हो? तुम तो जानते हो कि ये सब करने वाला तुम्हारा रब है, फिर भी क्या कर रहे हो? तुम उसके शरीक ठहराते हो, उसके एसोसिएट्स बनाते हो, उसके बराबर राइवल्स खड़े कर देते हो। अल्लजी, वो जिसने बनाया तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत, और नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उससे यानी उस पानी से फलों को, रिस्क तुम्हारे लिए, यानी वो जो फल है वो रिस्क है तुम्हारे लिए, तो नहीं तुम सब बना लो उसके लिए, अल्लाह के लिए शरीक अंदाज राइवल, और तुम सब तो जानते ही हो, तुम सब इल्म रखते हो। अब यहाँ पर जो बात हम कह रहे थे, हाँ, समर, समर का मतलब ये सिर्फ खाने वाले फल नहीं है, आम सेब केला पेरू, ये सब की बात नहीं, फलों की बात नहीं हो रही है, हर फ्रूट, हर जो दरख्त होता है उसका एंड प्रोडक्ट उसका फल कहलाता है ना, वो भी एंड प्रोडक्ट होता है, उसका फल होता है। अब जैसे कि अगर हमने पालक का वो लगाया, तो वो पालक उसका फल है, उस दरख्त का फल है, तो फ्रूट किसको कहा जाता है? जो एंड प्रोडक्ट होता है। तो अल्लाह ने कहा कि हर वो चीज जो तुम कंज्यूम करते हो, हर वो चीज जो तुम खाते पीते हो, वो क्या है? फल है। ठीक है, तो सिर्फ फलों की बात नहीं हो रही है, सब्जी तरकारी सब इंक्लूडेड है। ठीक है, तो नाजिल किया आसमान से पानी, फिर निकाला उससे फलों को, रिस्क तुम्हारे लिए, रिस्क बनाकर तुम्हारे लिए, तो नहीं तुम सब बना लो अल्लाह के लिए शरीक, और तुम सब इल्म रखते हो, तुम सब जानते हो। चले रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 23। وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ وَإِن اگر، دیکھیں چار حرف جو ہیں اس سے ملتے جلتے ہیں، آپ لوگ اگر لکھ لیں گے تو پھر کنفیوژن نہیں ہوگا کبھی بھی۔ انا ہم پڑھ آئے ہیں، انا یعنی بے شک، अब आ रहा है इन का मतलब होगा अगर, इन्ना यानी बेशक, इन यानी अगर। अच्छा, इनके ब्रैकेट में लिखे रेयरली, कभी कभी इनका तर्जुमा बेशक में आ जाता है, रेयरली, बहुत फ्रीक इनका तर्जुमा बेशक में आता है। ठीक है, दूसरा है अन्ना, लिखे इन्ना की बजाय अन्ना लिखे, अन्ना अलिफ के ऊपर जबर लगा, अन्ना का तर्जुमा होगा के, दैट, ये के या दैट, के ये के या दैट। ठीक है, इन्ना हो गया, इन हो गया, अन्ना हो गया, अन का तर्जुमा भी सेम है दैट के, अन्ना और अन का तर्जुमा है ये के या के। जिस तरह से इन है कभी कभी रैली, उसका तर्जुमा बेशक होगा, उसी तरह अन्ना का भी कभी कभी तर्जुमा बेशक में चला जाता है। ठीक है, चल, तो ये चार मिलते जुलते अल्फाज हैं, इन्ना इन, अन्ना अन। ठीक है, चल, अब यहाँ पर कौन सा आ गया? इन आ गया, इन यानी इफ, अगर, इसका असल तर्जुमा अगर ही है, लेकिन कभी कभी आ जाएगा बेशक। वह इन और अगर कुन तुम हो, अब देखिए ये कुन जो है ना, काफ नून कुन, कुन फयाकून, वो जो यू हमने वर्ड पढ़ा था, तो उसके रूट लेटर क्या है? काफ नून, काफ वाव नून, काफ वाव नून, वो कल पढ़ा था हमने, सॉरी, काफ वाव नून, काफ वाव नून। इसका मीनिंग क्या बताया था हमने आपको? होना भी है भी है और था भी है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो का तर्जुमा है तुम यानी तुम,
ठीक है, तुम यानी तुम और कुन का मतलब हो, और अगर तुम हो, और अगर तुम हो पी रई बिन, पी का तर्जुमा आपको पता है, मैं रई बिन हम पढ़ाए ला रई बा पी रईब यानी शक, और अगर तुम हो पी रई बिन किसी शक में मिम्मा, मिन प्लस मा, मिन को अलग करेंगे माँ को अलग करेंगे, मिन का मतलब होता है से और माँ का मतलब होता है जो, उससे जो, से जो या उससे जो नजलना, नजलना नून जा लाम इसके रूट लेटर है, नजला मतलब रिवील नाजिल करना, और ना का तर्जुमा क्या आएगा, हमने नाजिल किया, और अगर तुम हो किसी शक में उससे जो नाजिल किया हमने, आला अबदीना, आला हर्फे जर है, आला का मतलब क्या होगा पर ऊपर, पर अब्द, अब्द कहा जाता है बंदे को, आइन बा दाल, अबदा समथिंग रिलेटेड टू इबादा, अभी हमने पढ़ा था ना नाबुदू है ना, हम इबादत करते हैं तो इबादत से रिलेटेड ही इसका रूप वर्ड होगा, अब्द का मतलब होता है इबादत करने वाला यानी बंदा, अब्द का असल तर्जुमा बंदा नहीं, बंदे की जगह हम देखें तो बंदे का क्या सेंस होगा गुलाम, हम तर्जुमा जनरली क्या करते हैं स्लेव सॉरी सर्वेंट, सर्वेंट तर्जुमा करते हैं ना, सर्वेंट से बेटर तर्जुमा इसका आपका है स्लेव, स्लेव और सर्वेंट में क्या फर्क है कोई बता सकता है, हाँ बताएं, हाँ, देखिए अगर हमने किसी को एज अ सर्वेंट अपॉइंट किया तो सर्वेंट क्या है, इट्स फॉर द लिमिटेड टाइम एंड फॉर फॉर इट्स पेमेंट, मतलब पेमेंट जरूरी है उसके लिए, सैलरी होगी और वो आपके लिए बात जब तक मानेगा जब तक आपने उसको अपॉइंट किया है सुबह 9 बजे से 6 बजे तक, उसके बाद वो आप उसको हुक्म नहीं दे सकते कि जाओ मेरा ये काम करा, वो आपका हुक्म नहीं मानेगा कि आपने तो मुझे 6 बजे तक रखा, तो ये हो गया सर्वेंट, स्लेव का क्या मतलब होता है 24/7 वो गुलाम ही है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, तो आका ही की मर्जी से क्या करना पड़ेगा, खाना पीना सब कुछ करना, और ये कॉन्सेप्ट कहाँ का था, अरब ही का था, इसीलिए अल्लाह सुबहानहू तआला ने अब्द का लफ्ज इस्तेमाल किया, ठीक है, अब्द का मतलब है, तो इंसान सोचे कि हम किस तरीके से अल्लाह सुबहानहू तआला की बात मानते हैं, जिस तरीके से वो स्लेव माना करते थे अपने आकाओं की बात, हमें वैसे माननी है अपने रब की बात, कि वो जैसा कह दे वैसा ही करना है, और ऐसे काम कर, ऐसी बात मानकर किसने दिखाई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे उनका तस्करा, तो यहाँ पर क्या कहा, अब यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, तो हम गुलाम का तर्जुमा फिलहाल नहीं करेंगे, ठीक है, बंदे का तर्जुमा करेंगे, पी रही बिन किसी शक में मिन माँ, मिन से माँ जो, उससे जो नजला नाजिल किया ना हमने, अच्छा ना के और दो फॉर्म याद है आप लोगों को, अगर बीच में आए तो खड़ी जबर के साथ आएगा, अगर शुरू में आए तो सिर्फ जबर फतहा के साथ आ जाएगा, हमने नाजिल किया आला पर अब्द बंदे ना हमारे, फिर से आ गया ना हमारे बंदे पर, उल्टा तर्जुमा क्यों हो रहा है, हर्फे जर की वजह से, हम पीछे से तर्जुमा करेंगे, उसमें से जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर हमारे बंदे पर, फू बी सूरतिन, अब फ का तर्जुमा फिर देन सो आ तू, अब देखें यहाँ इसका जो ये वाव अलिफ जो है वो तो हमें पता है कि सबके लिए आ रहा है, हमजा ता या इसके रूट वर्ड, हमजा ता या, अगर हमजा ता या आ जाए, अता रूट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है आना, हमजा ता या का मतलब होता है आना, ठीक है, लेकिन जब हमजा ता या अता के साथ बी आ जाए तो मतलब होगा लाना, अता हमजा ता या आएगा अता तो मतलब आना, लेकिन अता भी आएगा तो मतलब लाना, टू ब्रिंग, देखा था हमने जहाबा, जहाबा भी, जहाबा का मतलब जाना, लेकिन जहाबा भी का मतलब ले जाना, उसी तरह आना ले आना, ठीक है, आता फिर अता आओ, लेकिन यहाँ पर बी के साथ आ रहा है ले आओ, ठीक है, फिर वाव अलिफ तुम सब अता भी ले आओ, बिसूरतिन, बिसूरतिन एक सूरत को, सीन वाव रा इसके रूट लेटर है, सूरत कहा जाता है एक चैप्टर ऑफ कुरान, ठीक है, एक सूरत को अगर तुम किसी शक में पड़े हुए हो उसमें से जो नाजिल किया हमने यानी कुरान करीम अपने बंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो तुम सब ले आओ, आती भी ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत को, एक चैप्टर कुरान का, मिन मिसलिही, मिन से
मिसल मिसाल मसाला यानी एग्जाम्पल पैराबल, ही उसकी उसकी मिसाल से उसी जैसा एक एक सूर्य बनाकर लाकर दिखा दो। अल्लाह इस चैलेंज चैलेंजिंग हियर, अल्लाह सुबहान तआला यहाँ पर चैलेंज कर रहे हैं कि तुम कहते हो कि हम ये जो कुरान है ये गढ़ा हुआ है। कुरान जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने पास से कह लिया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात करते हैं, तो तुम अगर इतनी ताकत रखते हो तो तुम एक सूरत बनाकर बता दो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का चैलेंज है, ठीक है। व इन कुंतुम, और अगर तुम हो किसी शक में उससे जो नाजिल किया हमने अपने बंदे पर, तो तुम सब आता भी ले आओ एक सूरत को, मिसली ही इस मिसाल से, इस मिसाल से यानी इसके जैसी, ठीक है, इस मिसाल से यानी इस जैसी। वदउ शुहदा अकुम व वावलिम, तुम सब दाऊ दाल आइन वाव इसके लेटर हैं। दाऊ का मतलब होता है दुआ। दुआ में क्या करते हैं, हम पुकारते हैं ना अल्लाह को, पुकारते हैं, टू कॉल। दुआ का मतलब होता है टू कॉल, पुकारना। तो दाल आइन वाव दाऊ पुकार लो, वावलिफ तुम सब पुकारो, तुम सब बुला लो, तुम सब पुकार लो, ठीक है। किसको पुकार लो, शुहदा अकुम, शुहदा शीन हा दाल इसके रूप वर्ड है, शीन हा दाल। शहादा का मतलब होता है शाहिद, शाहिद का मतलब होता है गवाह, है ना, शाहिद यानी गवाह, ऐनी शाहिद है, चश्मदीद गवाह है, तो शाहिद यानी गवाह, शुहादा यानी गवाह, बहुत सारे प्लूरल विटनेसेस, बहुत सारे विटनेस। और तुम सब पुकार लो तुम्हारे गवाहों को, तुम्हारे गवाहों यानी जो तुम्हारे सपोर्टर्स हैं, जो तुम्हारा साथ दे सकते हैं, उनको तुम बुला लो, तुम्हारे गवाहों को। मिन दूनिल्लाही, मिन से दूनी, दूनी का तर्जुमा आता है एक्सेप्ट, अलावा, एक्सेप्ट अलावा सिवाय, ऐसा ही तर्जुमा हमने मिलता जुलता किसके लिए किया था, एक वर्ड के लिए सूरह फातिहा में किया था, इफ यू ऑल रिमेम्बर। थोड़ा बहुत मिलता जुलता इसी से, वैरिल मग़दूबी, है ना, अलावा गैर ना के सिवाय, ठीक है। तो दूनी, दूनी का तर्जुमा होता है एक्सेप्ट अलावा सिवाय, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा तुम्हारे गवाहों को तुम सब क्या कर लो, पुकार लो या बुला लो। और तुम सब बुला लो तुम्हारे गवाहों को अल्लाह के सिवा, ठीक है, अल्लाह के अलावा। इन कुंतुम सादिकीन, इन अगर, इफ अगर कुंतुम, कुन का तर्जुमा यहाँ पर भी है होने में हो रहा है, तुम यानी तुम हो, अगर तुम हो सादिकीन, सादिक इज ऑन द पैटर्न ऑफ फाइल, तो क्या रूट लेटर होंगे इसके, स्वाद दाल का सदका, और अलिफ लगा दिया तो सादिक बन गया, सादिक मतलब सच कहने वाला, और ईना लगने से सच कहने वाले। अगर तुम हो सच्चे यानी प्लूरल फॉर्म है ना, सच्चा सादिक, सच कह बहुत सारे तो सादिकीना, अगर तुम हो सच कहने वाले या सच्चे, और अगर तुम हो किसी शक में उससे जो नाजिल किया है हमने हमारे बंदे पर, तो तुम सब आती भी ले आओ एक सूरत, कोई सूरत उसकी मिसाल से या उस जैसी, और तुम सब बुला लो पुकार लो तुम्हारे गवाहों को अल्लाह के सिवा, एक्सेप्ट अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अलावा, जिसको पूरी दुनिया को बुलाना है बुला लो। अगर तुम हो सच्चे, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि हम भी ऐसा कुरान ला सकते हैं, अगर तुम्हारा ये दावा है कि हम भी ऐसी सूरतें बना सकते हैं, अल्लाह को छोड़ के जिस जिसको जमा करना है जमा कर लो, और कुरान करीम की एक सूरत बनाकर दिखा दो, फिर अल्लाह सुबहान व तआला इसका जवाब भी देंगे। पहले हम ये आयत को रिपीट करते हैं, यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने ओपन चैलेंज रख दिया पूरी कायनात के लिए, कि कोई अगर दावा करने वाला खड़ा हो जाता है कि ऐसा हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा हम कुछ जो रेवलेशन है वैसा कुछ बना सकते हैं, अल्लाह का यहाँ पर ओपन चैलेंज है, यहाँ पर हर उस बंदे के लिए जो इसके सामने अंदाज बनकर, राइवल बनकर खड़ा होता है। अल्लाह ने कहा कि तुम अगर किसी शक में पड़े हो कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहा है, इस तरीके ये बोलकर अल्लाह सुबहाना ताला ने नबी की रिसालत का भी यहाँ पर बयान कर दिया कि वो बंदे किसके हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, यानी
कि वो जो भी रिवेलेशन है वो खुद से उन्होंने नहीं किया, वो सारा कुछ हमने नाजिल किया है उन पर। तो एक दलील ये भी मिल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कुछ नहीं बोलते बल्कि अल्लाह ही उन पर सब कुछ नाजिल फरमाता है। ठीक है, चलिए रिपीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ। ठीक है, فَإِن فِر إِن أَغَر फिर अगर लम नहीं, लम का हर बार तर्जुमा नहीं होगा, ठीक है, ला का तर्जुमा लम का तर्जुमा नहीं में जाएगा। فَإِن لَّمْ फिर अगर नहीं, تَفْعَلُوا ता तुम, वावल सब तुम सब, فَعَلَ فَعَلَ का मतलब होता है फेल, फेल का मतलब होता है करना, टू डू, है ना। फिर अगर नहीं तुम सब कर सको, फाला कर सको, टू डू, है ना, फिर अगर नहीं तुमने किया या तुम कर सको, वलन तफअलू व और लन हरगिज नहीं, देखिए लम का तर्जुमा नहीं, लन का तर्जुमा श्योरिटी के साथ हरगिज नहीं, विल नेवर का तर्जुमा आता है, नेवर का तर्जुमा आएगा लन में, फ्यूचर भी रहता है लन और श्योरिटी भी होती है उसमें, तो इसका लन का तर्जुमा हम करेंगे हरगिज नहीं, विल नेवर, तो जहां भी आए तो विल नेवर का तर्जुमा होगा लन में, हरगिज नहीं। फिर अगर नहीं तुम सबने किया, क्या नहीं किया, कि सूरत लाने का काम, एक सूरत बनाने का काम, और अल्लाह सुबहाना ताला का दूसरा चैलेंज देखें, वलन तफअलू और हरगिज नहीं, तफअलू ता तुम वावलिफ सा फाला कर सकोगे। जब लन आ जाता है ना तो तर्जुमा हमने फ्यूचर में करना होता है, ठीक है, जब भी लन आ जाए आप तर्जुमा फ्यूचर में करेंगे, और हरगिज नहीं तुम कर सकोगे, इन फ्यूचर यू विल नेवर बी एबल टू डू दिस, ठीक है, अल्लाह ने कह दिया कि तुम्हारे पॉसिबल ही नहीं है कि तुम ऐसी सूरत बना सको, और हरगिज नहीं तुम सब कर सकोगे। फत्तकू फिर वाव अलिफ तुम सब, इत्तकू यहाँ पर कमांड है, हुक्म दिया जा रहा है, रूट लेटर है, वाव काफिया वाकया यानी डरना या बचना, तो इत्तकू तो तुम सब डरो, ठीक है, तुम सब डरो। तकवे का हमने क्या मीनिंग बताया था आप लोगों को, तकवे का परहेजगारी, बचना, गुनाहों से बचना, तो गुनाहों से इंसान क्यों बचता है, क्योंकि अल्लाह से डर है ना, जहन्नम के आग से डर है, तभी तो बच रहा है ना, तो तकवे के अंदर डर भी शामिल है, ठीक है, तो इसीलिए तकवे का तर्जुमा सिर्फ डर में भी किया जाता है, पर तकू क्योंकि अल्लाह से डरता है तभी तो, वरना अगर डर ही नहीं होगा तो फिर जो चाहे करते फिरो, राइट, तो पर तकू फिर तुम सब डरो, किससे, अन्नार, अभी हमने पढ़ा था नारन, क्या था उसका तर्जुमा, आग, और वो नार का रूट लेटर क्या था, नूर, नून वाउरा नूर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर रोशनी होती है ना, चमक और रोशनी होती है। अच्छा, अन्नार ये अल से शुरू हो रहा है, खास आग, कौन सी आग है, जहन्नम की आग, कोई आम आग नहीं है, जहन्नम की आग से, और हरगिज नहीं तुम सब कर सकोगे, तो तुम सब क्या करो, डरो, किसे, अन्नार, आग से। अभी हमने जो वर्ड पढ़ा था ना अल्लजी, अल्लजी का क्या तर्जुमा, वो जो, उसी का फीमेल वर्जन है अल्लजी, अल्लजी का फीमेल वर्जन है अल्लजी, मेल वर्जन है अल्लजी और फीमेल वर्जन है अल्लाह, वो जो सेम तर्जुमा है बट फेमिनिन के लिए। अब यहाँ पे कौन सी औरत की बात हो रही है, आग की बात हो रही है, आग क्योंकि फीमेल वर्ड है तो इसीलिए यहाँ पर अल्लती आ जाएगा। फत्तकू तो तुम सब डरो आग से, वो जो, वो आग जो, वकूदुहा, वकूद इस्तौकदा वर्ड अभी आया था, इस्तौकदा नारन उसने जलाई आग, तो वकूद जो है वाव काफ दाल, वकदा कहा जाता है ईंधन को, फ्यूल, हाँ फ्यूल, फ्यूल एफ यू ई एल, फ्यूल ईंधन, जैसे गाड़ी में ईंधन डाला जाता है तो फिर वो और ज्यादा तेजी से पकती है आग, तो ईंधन को कहा जाता है वकूद, व काफ दाल, वकदा, वकूदुहा। अब ये जो हा आ रहा है ना, हा ये फीमेल की तरफ आ रहा है, हमने पढ़ा था हम, वो सब, ये हा जो है ना ये फीमेल के लिए, हा हुन्ना, तो अभी हुन्ना को अभी हम छोड़ते हैं, हा जो है हु का फीमेल वर्जन, हु का फीमेल वर्जन हा है, हा का मतलब भी होता है वो,
लेकिन फीमेल के लिए। अब वो फीमेल कौन है? वही आग। ठीक है, तो ये जो हा की जमीर जा रही है नार की तरफ। फिर अगर नहीं तुम सब करो, यानी वो चैलेंज पूरा करोगे, और हरगिज नहीं तुम सब कर सकोगे, तो तुम सब क्या करो? डरो। किसे? आग से। वो जो वकूद हुआ उसका ईंधन, इट्स फ्यूल, उसका ईंधन क्या है? अन्नासु, अन्नास इंसान, लोग। वल हिजारा, वल हिजारा हजारा, इसके रूट वर्ड है हजारा। हजार का मतलब होता है पत्थर, हम उर्दू में भी बोलते हैं ना हजर शजर, पत्थर पेड़ दरख, तो हजर का मतलब होता है पत्थर। उसका उसका ईंधन है, उसका फ्यूल है इंसान और पत्थर। उसका ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर। उइद्दत लिल काफिरीन, उइद्दत आइन दाल दाल, आइन दाल दाल जो है इसके रूट लेटर है आइन दाल दाल। अद्दत का मतलब होता है उसने तैयार किया, उसने तैयार किया। लेकिन आप देख रहे हैं ये पैसिव फॉर्म है, क्यों हम कह रहे हैं ये पैसिव फॉर्म है? हाँ, पेश है फिर देर है ना, पेश और देर का कॉम्बिनेशन पास्ट टेंस में। जब भी पास्ट टेंस कैसे पता चलता है? ये ता से भी पता चल जाता है ये पास्ट टेंस, क्योंकि हमारे पास यतान नहीं है ना यहाँ पर। यतान ये अलिफ जो है ये इसी का पार्ट है, दिस इज नॉट समथिंग यतान का अलग से लेटर। ठीक है, तो उइद्दत में यहाँ पर ता सुकून जो है, इसके पहले तो पता चल गया कि ये फीमेल की बात हो रही है, ये ता साकिन होता है तो वो ची है ना, और उइद्दा के अंदर ये पेश और जेर बता रहा है कि ये पैसिव है। तो हम तर्जुमा करेंगे तैयार की गई, कि किया गया, क्यों नहीं कर रहे तर्जुमा? क्योंकि ये फीमेल है और पैसिव भी है, तो फीमेल के लिए हम कह रहे हैं तैयार की गई है। क्या तैयार की गई है? वो आग। लिल काफिरीना, ली हरफे जर है, अल काफिर, काफिर फाइल पैटर्न पर आ गया, काफिर कुफ्र करने वाला, और ईना सब कुफ्र करने वाले, कुफ्र करने वालों के लिए तैयार की गई है। क्या चीज तैयार की गई है? फिर अगर नहीं तुम सब करो, यानी वो चैलेंज पूरा करो, और हरगिज नहीं तुम सब कर सकोगे, तो तुम सब डरो आग से, वो जो उसका ईंधन इंसान और पत्थर है, तैयार की गई है काफिरों के लिए। अल्लाह सुभान व तआला यहाँ पर फरमा रहे हैं कि अगर तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम ऐसी सूरे बना देंगे, हम ऐसा कुरान ले आएंगे, अल्लाह ने कहा कि मैं खुला चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया को अपने साथ समेट लो, बैठो डिस्कशन करो, बनाओ ऐसी सूरा। और फिर अल्लाह ने उसी चैलेंज का जवाब दे दिया कि तुम्हारी ये सकत, तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारी ये वक़त ही नहीं है कि तुम ऐसी सूरा बना के ला सको, हरगिज नहीं कर सकोगे। और जब तुम्हारे रब ने कह दिया कि तुम हरगिज नहीं कर सकोगे, तो अब क्या करो? जहन्नम की आग से डरो। क्यों? क्योंकि इंसान और पत्थर उसका ईंधन बनेंगे। ईंधन क्या करता है? कंबशन में मजीद मदद करता है, यानी एक जो चीज है जल रही है, आपने देखा है जो पुराने जमाने में वो जो चूल्हे वगैरह होते थे, तो उसमें कभी आग पेपर डाल रहे हैं, कभी उसके ऊपर तेल छिड़क रहे हैं, तो वो क्या होता था? वो चलती हुई आग फौरन से भड़क जाती थी। अल्लाह सुबहान व तआला फरमाते हैं कि इंसानों और पत्थरों को ईंधन बना दिया जाएगा। अब ये पत्थर कौन है? ये पत्थर वही लकड़ी पत्थर के बुत हैं जिनको ये पूजा करते हैं, वो भी, और साथ में वो इंसान। इंसान को अल्लाह सुबहान व तआला ने क्यों ईंधन बना दिया? क्योंकि इंसान के बॉडी के अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे मिनरल, ऐसी मादनियात पाई जाती हैं जो कि आग को जलने में मदद करती है। सल्फर हमारे अंदर है, पोटेशियम हमारे अंदर है, ऑक्सीजन हमारे अंदर है, हमारे अंदर हाइड्रोजन है, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? आग को जलने में मदद करती है। तो अल्लाह ने फरमाया इंसान और पत्थरों को क्या बना दिया जाएगा? ईंधन बना दिया जाएगा। आपने देखा है ना पहले जो ट्रेन चलती थी वो काय से चलती थी? कोयले से चलती थी, लकड़ी के कोयले से चलती थी, पत्थर के कोयले से चलती थी। पत्थर का कोयला लकड़ी के कोयले से ज्यादा देर का होता है, बहुत टाइम तक वो जलता है और बहुत हॉट रहता है, रेड हॉट हो जाता है बनिस्बत इसके, है ना। तो अल्लाह सुबहान तआला फरमा रहे हैं कि उसका ईंधन इंसान और पत्थर को बना दिया जाएगा। उसका ईंधन इंसान और पत्थर है, तैयार
की गई है काफिरों के लिए, यानी सोचे जहन्नम की आग ऑलरेडी 70 गुना भड़काई हुई आग है, उसके ऊपर और अल्लाह सुबहान तआला इंसानों ही को डाल डालकर उसको और मजीद भड़काएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाह सुबहान तआला हम सब की हिफाजत आग से फरमाए। चलें रिपीट करें। अब लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की सुन्नत है, ये अल्लाह का वे ऑफ टॉकिंग है कि जब भी जहन्नम का तस्करा होगा कुरान में फौरन से जन्नत का तस्करा कर दिया जाएगा, जब भी बुरे लोगों का तस्करा होगा कहीं उसके फौरन बाद अच्छे लोगों का तस्करा कर दिया जाएगा, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हम कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। हम अगर अच्छे लोगों में है तो इस्तकामत इख्तियार करें, अगर हम उसमें है दूसरी कैटेगरी में तो हम इस पे आने की शिफ्ट करने की कोशिश करें, और सेल्फ एनालाइजेशन होना चाहिए, ना कि दूसरों को हमने दूसरों के ऊपर पॉन्डरिंग नहीं करनी है, हमने अपने ऊपर। यही सहाबा कराम की सुन्नत है कि जब कोई बात आ जाए तो उसको अपने अंदर तलाश करें, दूसरों के अंदर नहीं। क्या मुनाफिक की, अरे वो तो इतनी बड़ी मुनाफिक है, अरे वो तो इतनी बड़ी काफिरा है, वो तो इतनी बड़ी मुशरिका है, तो हमने दूसरों का नहीं देखना है। मैं कहीं मुनाफिकत तो नहीं कर रही, मेरे अंदर तो कहीं शिर्क नहीं डेवलप हो रहा है, मैं तो कहीं अल्लाह सुबहान तआला के साथ अंदाज नहीं खड़ी कर रही हूँ, मैंने तो कहीं अल्लाह सुबहान तआला को चैलेंज नहीं कर दिया, तो वो सारी चीजें हमने अपने अंदर तलाश करनी है। अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला जन्नत का तस्करा करेंगे, जहन्नम का हो चुका। وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ। पूरी एक आयत में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जन्नत को बयान किया। व और बशीन रा, बशारा का मतलब होता है खुशखबरी, गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स। व और बशिर, अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, ऑर्डर है, व बशिर और खुशखबरी सुना दो, एंड गिव द ग्लैड टाइडिंग्स, मतलब उनको खुशखबरी दे दो, उन्हें गुड न्यूज सुना दो। व और बशिर, खुशखबरी दे दो, किसको दे दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो आमनो, वो सब लोग जो अमना ईमान लाए, वावल यानी वो सब अमना ईमान लाए। ईमान लाओ का तर्जुमा क्यों नहीं कर रहे हम, मीम के नीचे जेर नहीं है, मीम के ऊपर जबर है तो ईमान लाए, मीम के नीचे जेर होगा तो ईमान लाओ, तो मीम के ऊपर जबर है, वो सब ईमान लाए, पास्ट टेंस की बात है, फेले माजी की बात है। और खुशखबरी दे दीजिए, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू वो सब जो ईमान लाए। वह और आयन मीम लाम रूट वर्ड है इसका अमला अमल, वावलिफ वो सब, उन सब ने अमल किए, कैसे अमल किए, अस्सौलिहाती, अस्सौलिहाती स्वाद लाम हा, इसके रूट लेटर है स्वाद लाम हा, सोलहा का मतलब होता है नेक, अच्छा, गुड, ठीक है, सॉली। और यहाँ पर आप लास्ट में क्या देख रहे हैं, आती, व्हाट इज आती, हाँ प्लूरल के लिए, आतुन आतिन आती या आतू, ये सब प्लूरल के लिए होता है, फीमेल प्लूरल के लिए होता है, तो एक अमल की बात नहीं हो रही है, एक नेक अमल करके बैठ नहीं जाना है, सोलिहाती कांस्टेंट हो और बहुत सारे हो, और वो सब जिन्होंने ईमान लाए, वो सब जो ईमान लाए और उन सब ने अमल किए, कैसे, नेक नेक अमाल किए। अन्ना लहुम, देखिए अन्ना वर्ड आ गया, अन्ना दैट के, अन्ना के लहुम, ला लिए हुम उनके, ला हरफे जर है, प्रपोजिशन ला लिए हुम उनके, उनके लिए क्या है, जन्नातिन। अब फिर से जन्नातिन में आतिन आ रहा है तो जन्नत का प्लूरल हो गया जन्नात, यानी बागात है, जन्नत का जीम नून नून इसका रूट लेटर है, जीम नून नून, जीम नून नून रूट लेटर का मीनिंग होता है विच इज हिडन, जो छुपा हुआ होता है, जीम नून नून, जन्नत को जन्नत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्नत के अंदर इतने गहरे और घने दरख्त हैं कि उसकी वजह से उनकी जमीन जो होती है ऊपर से देखें तो दिखाई नहीं देती, हिडन होती है, इसीलिए उसको जन्नत कहा जाता है। इंशाल्लाह आगे और भी देखेंगे जीम नून नून का तर्जुमा, हम जीम नून नून का मतलब होता है हिडन, जो अपेरेंट नहीं है, जो खुला हुआ नहीं है, छुपा हुआ है, ठीक है। जन्नत बागात, अब इसका तर्जुमा हम करेंगे बागात, और बशारत दे दो, खुशखबरी दे दो उन लोगों को, जिन सब लोगों ने ईमान, जो सब लोग ईमान लाए और उन सब ने अमल किए नेक, के उनके लिए
जन्नात है, बागात है, तजरी, त, अब ये जन्नत क्या है, फीमेल वर्ड है, तो त का तर्जुमा यहाँ पर तुम नहीं करेंगे, ये यतान का ता है, ठीक है, यतान का ता है, यतान के ता के हमने दो तर्जुमे आपको बताए, कौन कौन से थे वो देखें, यतान के दो, यतान में जो ता थे उसके दो तर्जुमे बताए थे, तुम या फिर वो, तुम या फिर वो, तुम कब आएगा, जब मेल मेल होगा, मेल की बात होगी तो तुम का तर्जुमा करेंगे, जब फीमेल की बात होगी तो ता का तर्जुमा वो में चला जाएगा, तो उसके ब्रैकेट में लिख दे एम और एफ, मेल फीमेल, तुम का तर्जुमा कब करेंगे, जब मेल की बात हो रही होगी, वो का तर्जुमा ता में क्या क्या कब होगा, जब फीमेल की बात हो रही है, तो कौन है यहाँ पर फीमेल, जन्नत फीमेल है, इसीलिए हमने ता का तर्जुमा किया वो, ठीक है, वो। अब इसके अंदर जो रूट लेटर है वो है जीम रॉ या, ज रॉ या, ज रॉ या का मतलब होता है जारी होना, जारी होने का क्या मतलब होता है, हाँ बहना, जारी होना, तो बहना हम तर्जुमा कर सकते हैं, ज रॉ या का मतलब होता है जारी होना, ठीक है, के उनके लिए बागात हैं, वो बहती है, क्या बहती है, मिन तहती हल अनहार, मिन हरफे जर है, मिन का तर्जुमा होगा से, तहत, तहत का मतलब होता है बिलो, नीचे, तहत का तर्जुमा होगा बिलो, नीचे, ताहता, ताहता जहां पर भी आएगा आप तर्जुमा करेंगे नीचे, ठीक है, इसका कोई तर्जुमा चेंज नहीं होने वाला, तो ताहत का तर्जुमा आप एक मरतबा लिख दो, ताहता का मतलब होगा नीचे, मिन से, तहती नीचे, हा अभी ये हा आया था उसके, है ना, उसके, तो ये उसके कौन, ये जन्नत की तरफ जा रहा है, हा उसके नीचे से, किसके नीचे से, उस बाग के नीचे से क्या बह रही है, अल अनहार, अल अनहार इसके रूट लेटर है नून हा, नून हा रा, नहर, नहर हम कहते हैं ना जनरली भी, नहर किसको कहा जाता है, स्प्रिंग को, है ना, रिवर्स को कहा जाता है, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है, अनहार, नहर नहीं, नहरे बहुत सारी, तो अल्लाह ने एक नहर से काम नहीं, वहां पे जन्नत में आपको पता है कितनी नहरें हैं, जन्नत में कुरान में कितनी क्वांटिटी आती है उसकी, कितने कितनी नहरों के नाम आते हैं, चार नहरें, ठीक है, और चार नहरें हैं, और जन्नत की नहरों का आपको सबसे ब्यूटीफुल चीज, आपको फैक्ट अगर हम आपको बताएं तो जन्नत की नहरों का ये मामला होगा, एक मेन स्ट्रीम होगी, एक मेन नहर बह रही होगी और उसके अंदर से ब्रांचेस निकल रही होंगी, सबके अपने अपने समझ समझ ले बाग है, ये मेरा बाग है, ये आपका बाग है, ये आपका बाग है, हम सबके बागात हैं, हम सब आप यहाँ पर समझिए, बीच बीच में मेन स्ट्रीम है, ये आपका बाग है, हमारा सामने बाग है, ठीक है, और अल्लाह सुबहानहु ताला ने ऐसा नेचुरल इरीगेशन का सिस्टम लगा रखा है कि उस मेन स्ट्रीम में से सारी वो निकल रही है, ब्रांचेस निकल रही है, अब आप चाह रहे हैं कि मैं जो हूँ वहां चली जाऊं, तो आप क्या करेंगे, अपनी नहर उठाएंगे, अपने साथ ले जाएंगे, सो ब्यूटीफुल ना, अपनी नहरों को हम जा चाहे अपने साथ लेकर जाऊं, कहीं पर भी घूमते फिरेंगे, भाई मेरी नहर है, मैं मेरी जो मेरा मेरी जो ब्रांच है मैं कहीं भी ले जाऊं, तो ऐसा अल्लाह सुबहानहु ताला ने इंतजाम रखा हुआ है, अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत जारी है, यानी कि बहती है उसके नीचे से, उस जन्नतों के उन बागात के नीचे से क्या बहती है, नहरे, एक नहीं नहरे, मल्टीपल नहरे बहती हैं, उल्लमा, उल्लमा वर्ड हम देख चुके, जब भी, व्हेनेवर, जब भी, लम्मा जब, उल्लमा जब भी रुज़िकु, अब देखिए रजा का जो है उसने रिस्क दिया, लेकिन ये पैसिव फॉर्म दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्यों पैसिव दिखाई दे रहा है, हाँ पेश और जेर की वजह से, कतला उसने कत्ल किया, कुतिला उसको कत्ल किया गया, रजा का उसने रिस्क दिया, रुजी का उसको रिस्क दिया गया, है ना, लेकिन यहाँ पर वाव अलिफ के साथ प्लूरल फॉर्म है, उन सबको रिस्क दिया गया, गॉट इट, तो जब भी उन सबको रिस्क दिया जाएगा, मिन हा, मिन मिन से, हा उससे, यानी उसमें से, किसमें से, उस जन्नत में से, वो जो बागात हैं उनमें से, जब भी रिस्क दिया जाएगा, मिन तमरतिन, मिन से, समरतिन, अभी समरात वर्ड आया था प्लूरल फॉर्म में, फलों में से, हमने फलों पढ़ा था, यहाँ पर फल है सिंगुलर वर्ड, समरतुन फल, रिज़कन, रिज़कन रिस्क बनाकर, जब भी
उन सबको रिस्क दिया जाएगा उससे या उसमें से उस बाग में से मिन समरतिन किसी भी फल में से रिस्क एंड रिस्क बनाकर, तो वो क्या कहेंगे? قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا واو الف वो सब और قاف واو لام रूट लेटर है इसके, واو की जगह الف ने ले ली, वो सब कहेंगे هذا ذلك पढ़ रहे हम, ذلك मतलब वो, هذا मतलब ये, that this, هذا का मतलब होगा this और ذلك का मतलब हो जाएगा that, तो قالوا वो सब कहेंगे هذا ये। अच्छा आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लें उसको हाजा को, कौन सी लिस्ट लिस्ट में ऐड करेंगे? इसमें इशारा की डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिस्ट में ऐड करें, हाजा मतलब ये, दिस, हाजा मतलब दिस, ये वो सब कहेंगे हाजा ये, अल्लजी आप सब जानते हैं अल्लजी का मतलब है वो जो, वो सब कहेंगे हाजा ये अल्लजी वो है जो रुजिकना रुजिका रिस्क दिया गया, वही सेम पैसिव फॉर्म, रुजी का रिस्क दिया गया ना हमको, ये तो रिस्क दिया गया था हमको मिन कब्लु, मिन से कब्ल यानी पहले, इससे पहले, अब इससे पहले यानी दुनिया में जो रिस्क दिया गया था उसके मुतालिक बात हो रही है, और वो सब कहेंगे, देखिए यहाँ पर जब भी उन सबको रिस्क दिया जाएगा पैसिव है, और यहाँ पर भी ये पैसिव है, जब भी उन सबको रिस्क दिया जाएगा उसमें से उस बाग में से उन जन्नतों में से उन बागात में से मिन समरतिन किसी फल में से रिस्क एंड रिस्क बनाकर वो सब कहेंगे ये तो वही है जो हमें रिस्क दिया था इससे पहले, पहले ही हमें दिया जा चुका था, वऊतू बिही मुतशाबिहन। अब अल्लाह सुभान व तआला क्या फरमा रहे, ये देख के चौंक जाएंगे, अरे जन्नत में भी सेम फल, वही चीज हम तो खा चुके हैं दुनिया में। अब अल्लाह सुबहान ताला फरमा रहे हैं वा और ऊतू वा वाले वो सब, ऊतू हमजा ता या अभी जो बढ़ाया था, आता का मतलब, हाँ आता का मतलब आना, आता भी देना, ठीक है, आता भी दिया गया, आता भी यानी दिया गया। अब दिया गया हम क्यों तर्जुमा कर रहे हैं, क्योंकि अलिफ के ऊपर पेश लगा हुआ है पैसिव फॉर्म, और हमने आपको पहले ही बताया जब भी लेटर में कहीं वीक लेटर होता है तो वहां पर जेर कहीं कहीं गायब भी हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था इज़ा कीला लहुम, तो कीला में काफ के ऊपर पेश ही नहीं आया, डायरेक्ट क्या हो गया कीला, डायरेक्ट जेर आ गया, अब यहाँ पर जेर ही नहीं आया, डायरेक्ट पेश आ गया, ठीक है, हमजा ताया, हमजा ताया और वाओ और हमजा ताया और भी आता भी दिया गया और दिया गया वाव अलिफ उन सबको भी ही और उन सबको वाव अलिफ उन सबको आता भी दिया गया भी ही उससे भी का तर्जुमा यहाँ पर सेम होगा ही यानी उस उससे मुतशाबिहन मुतशाबिहन इसके रूट लेटर है शीन बाहा शीन बाहा मुतशाबे का आ जाता है मिलता जुलता मुतशाबे हम यूं कहते हैं ना तुम्हारे अंदर उनकी छवि मिलती है छवि छवि का क्या मतलब होता है झलक आती है वो तो वैसा ही दिखाई दे रहा है छवि का मतलब होता है सेम मिलता जुलता और अगर अच्छा छवि का मतलब होता है सिमिलर ठीक है मुतशाबे का मतलब होता है सिमिलर ठीक है तो यहाँ पर अल्लाह सुभान व तआला फरमा रहे हैं और उन सबको अता किया गया दिया गया उससे मिलता जुलता यानी अल्लाह ने फरमा दिया वो जो उनको फ्रूट्स दिए गए हैं वो कैसे हैं दिखने में सेम है लेकिन जब वो खाएंगे तब उनको पता चलेगा नहीं कभी खाया ही नहीं था ये तो और ये एक उसकी क्वालिटी ये है वहाँ के फ्रूट की कि जितने बाइट्स आप लेते जाएंगे हर बाइट में डिफरेंट टेस्ट होगा पहले से भी ज्यादा एनहांस पहले से भी ज्यादा लजीज अल्लाह हू अकबर ये अल्लाह सुभान व तआला हम सबको ये नेमत अता फरमाए यहाँ तो इंसान जरा से हाफूस आम खाते ही पागल हो जाता है सोचे वहां के जब फल खाएगा तो क्या होगा हमारा ठीक है मुतशाबिहन इज अ होल वर्ड नो 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 इट मुतशाबिहन शीन बाहा इज द रूट लेटर ओके मुतशाबे का मतलब होता है सिमिलर मिलता जुलता सभी ठीक है मिलता जुलता और उन सबको दिया गया उससे मिलता जुलता मतलब दिखने में मिलता जुलता है टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है
अभी हम इसका अभी रीजन बताएंगे क्यों अल्लाह सुबहान तआला ने ऐसा किया। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहरा व और ला लिए हम उनके और उनके लिए फीहा फी में हा उसमें उसमें किसमें हा की जमीर जन्नत की तरफ जा रही है और उसमें उस जन्नत में अजवाज जौज का प्लूरल है अजवाज ज वाव जीम जौज यानी जोड़ा पैर अजवाज मतलब जोड़े पैर। तो इसके अंदर मेल फीमेल सबकी बात आ गई मेल के लिए फीमेल होंगे और फीमेल के लिए मेल होंगे ठीक है। और उनके लिए उसमें जौजुन अजवाजुन जौज यानी एक जोड़ा अजवाज जोड़े जोड़े होंगे स्पाउसेस एक्चुअली तर्जुमा होगा स्पाउसेस होंगे कैसे मुतहरतुल तहारा तहारा तहारत हम कहते हैं ना तहारत हासिल करो पाकी हासिल करो तहारत इज व्हाट पाकी पाकीजा जोड़े होंगे पाकीजा जोड़े यानी कैसे स्पाउसेस हैं प्योर पाकीजा जोड़े होंगे। वहुम अब कुछ लोगों ने यूं कहा कि पाकीजा बीवियां होंगी लेकिन चूंकि अजवाज जो है ऐसा वर्ड है जो कि हम आपको ग्रामर वाली क्लास में बताएंगे इसकी वजह से मुतहरतुन है तो ग्रामर में आप सब ध्यान है ठीक है। हम इसका राज ग्रामर की क्लास में ही खोलेंगे यहाँ नहीं खोलेंगे क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। वलहुम और उनके लिए फीहा उसमें अजवाज मुतहरा पाकीजा जोड़े होंगे वहुम फीहा वह और हुम दे ऑल वो सब और वो सब फीहा फी में हा उसमें वो सब क्या होंगे खालिदूना खालिदूना अगर हम इसको कहें आपको ये फाइल पैटर्न पर है उसके रूट पैटर्न है खा लाम दाल तो क्या बना वर्ड फाइल पैटर्न पर खालिद बन गया। खालिद का क्या मतलब होता है एवरलास्टिंग कभी ना कभी हमेशा रहने वाला हमेशा रहने वाला फॉरएवर हमेशा रहने वाला ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया और वो सब उसमें उसमें किसमें यहाँ की जमीर जन्नत की तरफ जा रही है उसमें उस जन्नत में खालिद हमेशा रहेगा। अब जो भी खालिद है तो आप जान ले के उसका मतलब क्या है हमेशा रहने वाला और ऊना लग गया तो प्लूरल हो गया हमेशा रहने वाले हैं यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशखबरी पर दूसरी खुशखबरी क्या दे दी निकाला नहीं जाएगा जन्नत में अब परमानेंट तुम्हें एड्रेस मिल गया वो ग्रीन कार्ड मिल गया अब तुमको जन्नत का अब तुम नहीं यहाँ से नहीं निकाले जाओगे यू आर द परमानेंट रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान व तआला हमें अहले जन्नत में शामिल फरमाए। तो क्या कहा और उनके लिए उसमें पाकीजा जोड़े होंगे और वो उसमें उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे कभी ना निकाले जाएंगे। असल ब्यूटी और असल गुड न्यूज तो ये है अगर कहा जाता 10 दिन रह लो बाद में निकाल देंगे क्या बनता हमारा हाय वहां भी दुनिया में भी घिस घिस के आए और यहाँ पर भी अल्लाह ये मेहनतों का क्या सिला मिला 10 दिन तो अल्लाह ने यहाँ पर असल गुड न्यूज दी हमेशा रहेंगे नहीं निकाले जाऊंगे। और खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो सब ईमान लाए और उन सब ने अमल किए नेक के उनके लिए बागात हैं जन्नतें हैं जारी है बहती है उसके नीचे से उन बागात के नीचे से अनहार नहरे कुल्लमा जब भी उन सबको रिस्क दिया जाएगा मिनहा उसमें से उस जन्नत बागात में से मिन तमरतिन किसी भी फल का फल में से रिस्कन रिस्क बनाकर औलू वो सब कहेंगे हाजा ये तो अल्लजी वो है जो रुजिकना हमें रिस्क दिया गया था मिन कबलू इससे पहले पहले से हमें दे दिया जा चुका था और वो सब दिए गए कुतुबी दिए गए भी उससे मुतशाबिहन मिलते जुलता मतलब उससे मिलता जुलता रिस्क उनको दिया गया और उनके लिए उसमें उस जन्नत में पाकीजा जोड़े होंगे पाक जोड़े होंगे और उन वो सब उसमें यानी उस जन्नत में खालिदूना हमेशा रहेंगे। अल्लाह सुबहान व तआला ने इतनी प्यारी प्यारी खुशखबरी सुनाई। अच्छा हम ये बता रहे थे आप लोगों को कि अल्लाह सुबहान व तआला ने ऐसा क्यों किया कि जो फल है वो मिलते जुलते भाई जब खूबसूरत बनाए वो भी अलग स्ट्रक्चर अलग शेप बना दिया जाता। अब देखिए अल्लाह सुबहान तआला पता है ये जो मेरा बंदा है ना नई चीजों से नई जगहों से बड़ा डरता है ना
हमें अगर कोई नया फल आ जाएगा ना अचानक से, ओला पड़ जाए, हमको खाएंगे नहीं, पता नहीं क्या चीज हो। अल्लाह सुबहानहू ताला ने इस बात का ख्याल रखा कि मेरा बंदा जब जन्नत में आए उसको अजनबियत ना फील हो, अरे मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ, ये मुझे क्या खाना पड़ रहा है। वो सारी चीजों से फैमिलियर हो, उसको पहले ही पता हो कि ये चीज, अरे ये तो अनार है, अरे ये तो अंगूर है, अरे ये तो खजूर है, जब वो खा रहा तो अरे ये तो क्या था, तो कुछ और ही था, ये तो दुनिया में मैंने कभी खाया नहीं था, हालांकि दिख तो दुनिया ही जैसा रहा था। अल्लाह ने बंदों की घबराहट का सलूशन यूं रख निकाला कि वो बंदे को वो सारी जन्नत ऐसी लगेगी कि सारी चीजों से मैं जानता हूँ, मैं इससे मानूस हूँ। तो अल्लाह सुबहानहु ताला ने इसीलिए मिलता जुलता शेप में मिलता जुलता लेकिन जायके में उसके टेस्ट में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह सुबहानहु ताला हमें अहले जन्नत में शामिल फरमाए। चलें रिपीट करें जल्दी से, नहरों के नाम है, इंशाल्लाह आएंगे तो हम देखेंगे, सल सबील आएगा और दूसरी सारी नहरों के कौसर है, और है ना, जैसे और दूसरी कौन सी है, एक सल सबील है, एक कौसर है, और एक वो है, नहीं जो तो जन्नत का नाम है, जन्नत के अंदर जो नहरें हैं उनका नाम हम बता रहे हैं। ठीक है, चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आया नंबर 26, माय कुरान। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन अल्लाह ला यस्तही अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतम फमा फौकाहा فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين إن الله إن का ترجمہ آپ لوگوں کو پتا ہے بے شک إن الله اللہ بے شک اللہ لا کا بھی ترجمہ پتا ہے نہیں بے شک اللہ نہیں یا یا یعنی وہ हा या इसके रूट लेटर है हा या हया बिल्कुल हया फरमाना या शर्माना ठीक है इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं या वो इस्तहया हया करता या शर्माता इन्ना अल्लाह ला यस्तहया बेशक अल्लाह नहीं शर्माता अन के बेशक अल्लाह नहीं शर्माता के या हया करता के यज़रीबा मसलन या यतान का या है या यानी वो ज़रबा ज़रबा का अब ये देखें जैसे हमने देखा था ज़हबा जाला देखा उसी तरह ज़रबा का भी मल्टीपल मीनिंग्स आता है ज़रबा का मतलब एक्चुअली में होता है मारना टू हिट ज़रबा का मतलब होता है टू हिट मारना लेकिन जब ज़रबा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो उसके जो नाउन्स आते हैं उसके मुताबिक जराबा का तर्जुमा चेंज हो जाता है। अगर जराबा मिसाल के लिए आ रहा है तो मिसाल को हम मारते हैं क्या, देते हैं ना, या बयान करते हैं, मैंने मिसाल दी, मैंने मिसाल बयान की, हम यूं तर्जुमा करेंगे ना, तो जराबा का तर्जुमा क्या हो जाएगा, देना या बयान करना। जराबा का अगर तर्जुमा जमीन से मिलकर आएगा ना, जमीन अगर मिसाल की जगह यहाँ पर अर्ज आ जाएगा तो जरब का तर्जुमा जमीन से मिलकर चलना हो जाएगा, जमीन पर चलना, वो इंशाल्लाह आगे आएगा। अभी खैर यहाँ पर इतना याद रखें कि जरब जो है अपने तर्जुमे को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू नाउन्स, जैसा भी आगे नाउन आता है, जैसा इस्म आगे आ जाता है, उस हिसाब से थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो मिसाल हम मारते नहीं है, मिसाल हम देते हैं, ठीक है। बेशक अल्लाह वो नहीं वो शर्माता के वो दे क्या मिसाल दे, वो मिसाल दे, किसकी मिसाल दे, मा बाउदतन, मा जो, मा यानी जो, बाउदा बाउदा बा आइन द्वाद इसके रूप लेटर है, बा आइन द्वाद, बा आइन द्वाद, बाउदा कहा जाता है मच्छर, बाउदतन कहा जाता है मच्छर को, ठीक है, मच्छर मॉस्किटो को कहा जाता है बाउदा। बेशक अल्लाह नहीं वो शर्माता के वो दे मिसाल जो मच्छर है, फिर मा जो फौकाहा, अब अभी हमने पढ़ा था लास्ट आया में तहता, तहता का क्या मतलब है,
नीचे, द अपोजिट ऑफ तहता इज फौका, ये दोनों एंटीनम्स हैं। फौका मतलब ऊपर, तहता मतलब नीचे, एक साथ लिखने याद करने में आसानी है। फौका और क्रॉस बनाए और लिखे तहता, फौका तहता ऊपर नीचे, ठीक है। फौका ऊपर, तहता नीचे, फौका ऊपर या पर, फिर माँ जो फौका ऊपर, हाँ उससे, उससे ऊपर है। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो दे मिसाल जो मच्छर है फिर जो उससे ऊपर है, चाहे मच्छर छोटे से छोटा हो या उससे ऊपर हो, कोई उससे बड़ी चीज हो, अल्लाह उसकी मिसाल देने से नहीं शर्माता। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? बात ये इस कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है कि जो मुशरिकाने मक्का थे वो यूं कह रहे थे कि कैसा तुम्हारा रब है, नऊजु बिल्ला, कि कुरान को कहते हो तुम इतना आला किताब है, इतनी अजीम किताब है, और उसमें ऐसी बातें कही की जाती है मच्छर मक्खी की, इतनी छोटी छोटी चीजों की। जब ये किताब आला है तो इसमें बात भी आला चीजों की होनी चाहिए। अल्लाह सुबहाना ताला ने क्या कहा? वो छोटी से छोटी चीज की मिसाल देने से नहीं शर्माता। जिस बात, देखें अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान करीम में जो भी पैराबल्स यूज की हैं, जितनी भी मिसालें आई हैं, वो सारी की सारी इंसान के दिमाग की औकात के मुताबिक है। अल्लाह कभी जन्नत की कोई चीज ऐसी जो कि हम जानते ही नहीं थे, अगर वो मिसाल देते तो कभी जिंदगी में समझ पाते? आप कभी किसी छोटे बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, मैथ्स पढ़ा रहे होते हैं, तो जब आप उनको प्लस सिखाते हैं तो आप कैसे सिखाते हैं? 2 चॉकलेट + 2 चॉकलेट इज इक्वल कितनी चॉकलेट, क्योंकि पता है उसको चॉकलेट क्या होती है, तो वो फौरन बोलता है 4 चॉकलेट, उसको बराबर आंसर आ जाता है। अल्लाह सुबहानहु ताला यूं भी चीजों की मिसाल कुरान करीम में देते हैं, वो चाहे बहुत मिनिस्क्यूल लेवल पर हो, चाहे बहुत छोटी हो, चाहे बहुत बड़ी हो, वो सब हमारे जहनों के मुताबिक है, जिसको हम समझ सकते हैं, जिनको हम परसीव कर सकते हैं, जिनको हम आसानी उस चीज से इबरत ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जब ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि अल्लाह क्यों मच्छर मक्खियों की मिसाल देता है, अल्लाह क्यों ये मकड़ियों की मिसाल दे रहा है, आगे सारी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अल्लाह ने क्यों ऐसी मिसालें दी, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा रब इन बातों से हया नहीं करता कि वो किसी भी चीज की मिसाल दे। अगर बंदों को समझाने के लिए ये मिसालें कारगर हैं तो वो ऐसी भी मिसाल देगा, और उसे कोई हया नहीं है कि वो ऐसी मिसाल दे, ठीक है। बेशक अल्लाह नहीं शर्माता, नहीं हया करता कि वो दे मिसाल जो मच्छर है फिर जो उससे ऊपर है, या उससे बड़ा या उससे छोटा, जो भी है उससे वो शर्माता नहीं है। फअम्मल्लज़ीना आमनू, फिर अम्मा, अम्मा का तर्जुमा होता है एज कौन, रहा वो, एज कौन रहा वो, अम्मा एज कौन, ठीक है। फिर अम्मा रहा वो अल एज कौन, AS FOR, एज फोर, माँ इज फोर, अम्मा इज, आई एम टॉकिंग अबाउट अम्मा, अम्मा का मतलब होगा एज फोर, ठीक है। एज फोर यानी रहा वो, रहा वो, फिर रहा वो अल्लजीना, वो जो, फिर रहे वो जो आमनू, क्योंकि प्लूरल की बात आ रही है तो रहा नहीं, हम रहे कर देंगे, फिर रहे वो लोग जो आमनू, वो सब जो ईमान लाए हैं, फयालमूना, फिर या वो, कौन सब, आइन लामिम इल्म रखते हैं, वो सब जानते हैं, फिर रहे वो लोग जो ईमान लाए हैं, फिर वो सब क्या करते हैं, जानते हैं, इल्म रखते हैं, अन्नहु, अन्ना के, बेशक इन्ना के लिए अन्ना के हु वो। अब हु किसकी तरफ जा रही है, जमीन मिसाल की तरफ, वो मिसाल अल्हक, हक है, सच्ची है, हक है यानी सच्ची है, और इसके रूट लेटर है ह क, बेशक वो मिसाल, वो यानी वो मिसाल सच्ची है, किसकी तरफ से, मिन रब्बिहिम, मिन से यानी फ्रॉम, ठीक है। रब्बिहिम, रब यानी रब, हिम यानी उनके, उनके रब की, रब से, उनके रब की तरफ से वो मिसाल क्या है, सच्ची है, हक है। वो अमल नजीना का करूँ, अब अम्मा का क्या तर्जुमा होगा, हाँ वह, और अम्मा रहा अल्लजीना, वो जो, तो ये प्लूरल है, रहे वो जो,
और रहे वो जो कफरू, जिन सब लोगों ने वाह वाले कोसर, कफरू जिन्होंने कुफर किया, तो कंपेयर कर दिया अल्लाह ने। रहे वो जो ईमान वाले उनका ये मामला है कि मिसालों को हक मानते हैं, रहे वो जो जिन्होंने कुफर किया तो वो क्या करते हैं, फाफिर या वो वाउलों सब कूलू कहते हैं, काफ वाउलाम कौल वो सब कहते हैं, क्या कहते हैं, माजा अराद अल्लाहु, माजा और मा दोनों का तर्जुमा होता है क्या, दिस इज नॉट दैट ड्रिंक वाला माजा, हाँ माजा मतलब शाइस्ता के मुंह में पानी आ गया स्माइली माजा क्या, अरादा इरादा है, अरादा मतलब इरादा, अरादा के रूट लेटर हैं रा वाव दाल, अरादा के रूट लेटर है रा वाव दाल, रा वाव दाल, ये आयत करके हम स्टॉप कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अरादा इरादा किया अल्लाहु अल्लाह ने, रा वाव दाल, वाव की जगह अलिफ तरीक से हो गई है, फिर वो सब कहते हैं क्या इरादा किया अल्लाह ने, बिहाजा मसलिन, बिहाजा हाजा वर्ड आप जानते हैं, हाजा दिस, ये से यानी इससे मसलन, इस मिसाल से, फ्रॉम दिस पैराबल, फ्रॉम दिस एग्जांपल, इस मिसाल से क्या अल्लाह सुब्हानहु तआला का इरादा है, खैर वो तो अल्लाह भी नहीं कह रहे थे, वो तो तुम्हारे रब का क्या इरादा है। फिर रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, जिन सब लोगों ने कुफ्र किया तो वो सब कहते हैं क्या इरादा है अल्लाह का इससे यानी इससे, इस मिसाल से यानी ये ऐसी मिसाल क्यों दी जा रही है, क्या इरादा है तुम्हारे रब का, युजिल्लु बिही कसीरा, या यतान का तर्जुमा, या यानी वो आ जाएगा यतान में से, दिल्लु दलालत से आया, बहुत दमदा क्या है, गुमराही, हाँ तो या वो दिल्लु गुमराह कर देता है, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हम कहेंगे गुमराही में रहने देता है, ठीक है, गुमराही में रहने देता है, बिही बी से ही उससे किससे, उस मिसाल से वो गुमराही में पड़े रहने देता है, उससे यानी उस मिसाल से, कतीरन कतीरन इसके रूट लेटर है काफ सारा, कसर का मतलब होता है बहुत सारा, कसरत से कसीरन, बहुत से लोगों को उसी से क्या करता है वो गुमराही में रहने देता है, युदिल्लु या वो दिल्लु गुमराही में रहने देता है उससे यानी उससे उस मिसाल से, कसीरन बहुत सो को, व यहदी व, और अगर मिसाल को छोड़े यहाँ पर कुरान ले लूं, ठीक है, वो गुमराही में रहने देता है उससे, कसीरन बहुत से लोगों को वो गुमराह कर देता है उससे, बहुत से लोगों को, व यहदी बिही कसीरा व, और या वो हदाया हिदायत देता है, कौन, अल्लाह, बिही उससे, उसके जरिए या उससे, कसीरन बहुत सो को, वो उसी के जरिए गुमराही में रहने देता है बहुत सो को, और उसी के जरिए से हिदायत दे देता है बहुत सो को, वमा युदिल्लु व, और मा नहीं, और नहीं, युदिल्लु वो गुमराही में रहने देता, बिही उससे, सेम आ रहा है देखें, युदिल्लु बिही उससे, और नहीं वो गुमराही में रहने देता उससे, इल्ला ये माँ का तर्जुमा नहीं क्यों किया है, इल्ला की वजह से, ठीक है, इल्ला आ गया था इसलिए हमने नहीं का तर्जुमा किया, और नहीं वो गुमराही में रहने देता उससे सिवाय अल्फासिकीना, अल्फासिकीना अगर हम कहें ये फासिक जो है फाइल पैटर्न पर है, रूट लेटर है इसके फा सीन काफ, फसका फासिक फाइल है ना, फासिक फा सीन काफ इसके रूट लेटर है, ईना ईना का तर्जुमा होगा प्लूरल में तो सबके लिए, तो फासिकों को, अच्छा फासिक किसे कहा जाता है, फा सीन काफ ये जो रूट लेटर्स हैं, फिस्क फिस्क कहा जाता है, जो दाना होता है ना, बीज जो होता है जो बोया जाता है, तो जब उसको मिट्टी के अंदर दबाते हैं तो वो बीज अपनी असली हालत में नहीं रहता, वो क्या करता है, जो उसके ऊपर की कवरिंग है ना उसको फाड़ता है, फाड़ने के बाद उसमें से पोपल फटती है, उसके अंदर से छोटे छोटे वो निकल आते हैं ना, तो वो जब तक फटेगा नहीं, जब तक कैसे दरख्त उगेगा, फटता है और कुछ बाहर निकल आता है, यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने फासिक क्यों कहा फासिकों को, कि एक बाउंड्री अल्लाह ने बताई है, एक लिमिट बताई है कि तुम मेरे बंदे हो, तुम्हारी लिमिटेशन ये है, जैसे हमने उसके मुतालिक भी देखा था समंदर के मुतालिक, कैसे वो अपनी बाउंड्रीज को कभी कभी पार कर जाता है, अल्लाह ने बताया फासिकों
फासिक वो है जो अल्लाह की हदों को पार करके निकल जाता है। जिस तरह से वो बीज जो होता है वो अपनी हद पार करता है, बाहर निकलता है, उसी तरह से जब बंदा अल्लाह की बनाई हुई हुदूद को पार करके बाहर निकल जाता है तो वो नाफरमान हो जाता है, उसको कहा जाता है फासिक। गॉट इट? और फासिक का प्लूरल हो गया फासिकीना, फासिकों को, नाफरमानों को। और वो हिदायत देता है उससे बहुतों को, गुमराही में रहने देता है बहुतों को, और नहीं वो गुमराही में रहने देता उसको उससे सिवाय फासिकों को। तो जो फासिक होगा, जो नाफरमान होगा, जो अल्लाह की हदों को पार करके बाहर निकलेगा, अल्लाह उसी को क्या करेगा, गुमराही में रहने देगा। तो यहाँ पर अल्लाह ने देखिए क्या बयान किया कि अल्लाह सुबहान तआला फरमाते बेशक अल्लाह नहीं शर्माता कि वो दे मिसाल जो मच्छर है या जो उससे ऊपर है, और रहे वो लोग जो ईमान लाए तो वो सब जानते हैं कि वो हक है, मिन रब्बिहिम उनके रब से यानी उनके रब की तरफ से, और रहे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया तो वो सब कहते हैं क्या इरादा है अल्लाह का इस मिसाल से, इस मिसाल से क्या इरादा है अल्लाह का, वो गुमराही में रहने देता है उससे बहुत सो को और वो हिदायत दे देता है उससे बहुत सो को, और नहीं वो गुमराही में रहने देता उससे सिवाय फासिको नाफरमानों को। ठीक है, तो यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया कि हमने शुरू में ही देखा था ना कि कुरान करीम पढ़ने से पहले क्या किया जाए, कीप योर इंटेंशंस प्योर, सारी चीज नियतों पर है। जो बंदा जैसे नियत से ये कुरान खोलेगा वो चीज वो उसमें से पा लेगा। अगर कोई इसके अंदर क्रिटिसाइज कर क्रिटिक कोई बैठता है तो उसके साथ बहुत सारे उसको मीन में निकल आएगी, वो कहेगा देखो तुम्हारा कुरान तो हुक्म देता है कि जाओ जाकर मारो काफिरों को, जान ले लो उनकी, ऐसी बातें करते हैं ना काफिर आज के दौर में, कितनी बातें निकालते हैं कि तुम्हारे कुरान ने कहा कि जहाँ काफिरों को पाओ मार दो उनको, कतल कर दो उनको, ये नहीं पता पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस दौर की बात हो रही है, कब की बात हो रही है। तो वो क्या हो गया उनके लिए, एक बात बन गई किस चीज की, क्रिटिसिज्म थी उनके लिए, पॉइंट पॉइंट करने की बात बन गई। लेकिन ईमान वाले जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि यही चीजें हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपने ईमानों को मजबूत करते हैं, और वो जानते हैं कि जो भी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में कहे वो हक ही है। अब जाके साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की, मच्छर जो होता है ना मच्छर, अभी ये जो वर्ड आया था ना कौका हा उसके ऊपर, तो रिसर्चर्स ने रिसर्च, आप पहले आप लोगों ने मच्छर का अगर स्कूल में पढ़ा होगा, मच्छर का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सोचें उसके कैसे मतलब वो जो वो होते हैं स्टिंग अपैरेटस कैसा होता है, वो जो सकिंग वाला स्टिंग अपैरेटस होता है, फिर निडल वाला होता है, पहले वो क्या करता है निडल की तरह घुसाता है, फिर वहां पर होल करता है, फिर एक लिक्विड सिक्रीट करता है जिसकी वजह से वो एरिया सुन्न हो जाता है, फिर वहां से सक करता है ब्लड, फिर जब वो ब्लड सक हो रहा होता है जब हमें एहसास होता है, पहले नहीं एहसास होता क्योंकि वो वहां पर जो लिक्विड सिक्रीट करता है उसकी वजह से वो जगह एनेस्थाइज हो जाती है, जो कि आज डॉक्टर बनते हैं एनेस्थीजिया का डॉक्टर, आपको पता है कितनी कितनी डोनेशन देनी पड़ती है जब जाके वो डिपार्टमेंट में डॉक्टर किया। ये काम अल्लाह सुबहान तआला ने छोटे से मच्छर के अंदर ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिर आपने देखे होंगे कितना कमजोर सा वो मच्छर होता है लेकिन कितना नुकसान पहुंचा रहा है पूरी नौ इंसानी को। फिर ये जो है ना, अच्छा वो जो इंसानों को काटने वाला मच्छर होता है वो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलस, मेल वाले जो होते हैं ना वो प्लांट सकर होते हैं, वो प्लांट के ऊपर प्लांट सैप पीते हैं, तो वहां यहाँ पर इसीलिए सर कहते थे कि सारी चीजें फीमेल की होती है। हमने कहा कि देखिए अल्लाह सुबहान तआला ने जब जन्नत की नेमत बताई तो कहा कि औरतें होंगी तुम्हारे लिए, तो नेमतों में आते हैं उनके। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अल्लाह सुबहान तआला ने जो एक और लफ्ज इस्तेमाल किया फौकाहा, उसके ऊपर, तो एक तो हमने जनरल उस दौर में जिन लोगों ने तर्जुमा समझा होगा तो वो यही समझा होगा कि उससे ज्यादा जो बड़ी मिसाल है, लेकिन आज जाके जब साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि मच्छर के पर के ऊपर भी एक पैरासाइट होता है। सोचे हमारे लिए मच्छर पैरासाइट है, मच्छर के ऊपर भी एक पैरासाइट है जो उसका खून चूसता है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बात यहाँ पर कुरान करीम में कहते हैं वो लफ्ज ब लफ्ज हक है। ईमान वाले क्या कहते हैं, चाहे हमें समझ आए ना आए, हमारे अपने वहां नहीं भी पहुंची हो, तब भी मेरे रब ने जो कहा वो हक है, हम उस पर आमन ना सदा, हम ईमान लाते हैं और हम कहते हैं कि वो सच है।
यकीनन सच है, ठीक है, वो बात अलग है। अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की कि इसके हर लफ्ज को वैसे ही खोल कर बता दे, क्योंकि जब साइंस कोई बात लेकर आती है तो हमें कुरान से ज्यादा मोहब्बत होती है। हालांकि हमें क्या कहना चाहिए, हमारे जो कुरान है पोस्ट मॉडर्न है, साइंस मॉडर्न है, कुरान पोस्ट मॉडर्न, क्योंकि वो बातें जो कुरान बता चुका है वो साइंस जाकर कहीं बताएगी, अभी बताया भी नहीं है पूरी तरह से। और जो बातें जिन लोगों को पता चल जाती है, बहुत बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, कितने फिजिसिस्ट हैं, कितने सारे जो एस्ट्रोनॉट हैं, वो ईमान ले आए। क्यों ले आए? क्योंकि उनको पता चलता है, अरे 1400 साल पहले कैसे निकल आई ये बात, कैसे मुमकिन है कि इतनी पुरानी, जिस दौर में तरक्की नहीं हुई थी, जिस दौर में लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी, जब साइंस का कोई बोलबाला नहीं था, वो बातें जो कि अब जाके पता चल रही है तुम्हारे कुरान में 1400 साल पहले लिखी हुई है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ईमान वालों ने क्या कहा, ये तो हक है हमारे रब की तरफ से। और काफिर क्या कहते हैं, वो इसी उसमें रह जाते हैं कि अरे ये मच्छर की मिसाल क्यों बयान की, अरे ये मक्खी की मिसाल क्यों बयान की, हमारी तो सोच से परे ये बातें, ठीक है। तो जब अगर सोच से परे भी हो जाए बात, तब सोच को बंद कर दे और कहे मेरे रब ने हक कहा, मुझे नहीं समझ आता, मेरी अभी इतनी अकल उस लेवल पर नहीं पहुंची, लेकिन जो मेरा रब कहता है वो हक है, ठीक है। और अल्लाह ने फरमा दिया, इसी कुरान के जरिए से बहुत से गुमराह भी हो गए, क्योंकि उनका इंटेंशन गुमराही लेने का था। और इसी कुरान के जरिए से बहुत सारी हिदायत वाली, क्योंकि जब बोलते हैं कुरान तो कि अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, तो वो हिदायत ही के लिए कुरान को खुला करते हैं और अल्लाह उनको उससे हिदायत अता कर देता है। तो अल्लाह ने फरमाया हिदायत तो सबको मिलेगी जो हिदायत की नीयत से बैठेगा, लेकिन गुमराह कौन हो जाएंगे, जो फासिक है, नाफरमान, जो इसमें नाफरमानियां ढूंढते हैं, जो इसके अंदर क्रिटिसिज्म करते हैं, तो अल्लाह उसको उसी से गुमराह कर देता है। चलो ठीक है, अब रिपीट कर लेते हैं, देन विल फाइंड दुआ करके। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اغفر لنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اهدنا بالقرآن اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزوننا وذهاب همنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।